थैंक यू सो मच भैया राहुल भैया परिचय के लिए आपने ऑलरेडी पूरे बात बताई दिए मेरे बारे में तो अभी मैं अपने बारे में थोड़ा सा उसको छोड़ करके सीधे इसी पे आता हूँ क्योंकि थोड़ा समय कम है हमारे पास बट एक ब्रीफ में इतना है कि हम लोग यहाँ पे कनाडा में एक uh, मध्यस्थ दर्शन आधारित एक केंद्र स्टेब्लिश किए हैं और यहाँ पे शिक्षा और जीने से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है हम लोग मिल करके चलाते हैं अभी हमारे यहाँ करीब नौ लोग हैं हम लोग यहाँ पे और साथ में ही रहना होता है और शिक्षा में हम लोग करीब बीस एक वर्षो से लगभग इसी पे सोचना और कैसे दुनिया में क्या हो रहे हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए क्या हमारे चैलेंजेस हैं समस्याएं क्या हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए तो एक बात ध्यान में आता है कि भी जो भी समस्या है ग्लोबल स्केल पे है ना और या फिर लोकल स्केल पे उसको शिक्षा के माध्यम से ही हल करना चाहिए और वो हम लोग कैसे कर पाएंगे उसी की सारी प्रस्तुति तो प्रस्तुति में लगभग जितनी बातें हैं लगभग आ जाएंगी आपकी तो मैं सीधे उसी पे जाऊंगा और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा शायद कुछ लोग और जुड़ते जा रहे हैं तो हमको लगता है कि कोई ना कोई है जो उनको एडमिट कर रहा है सो आई आई डोंट टू डू एनी मोर ठीक है भैया तो हम लोग शुरू करते हैं एक सूचना यह है कि चूंकि ये शिक्षा पे जो बात हो रही है आप लोग सभी लोग इसमें से अधिकांश लोग मेरे ख्याल से शिक्षक हैं किसी न किसी रूप से शिक्षा से जुड़े हैं तो इतना मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक आपका जो भी शिक्षा को लेकर के अवधारणा है जैसा भी आपने देखा है क्लासरूम सब्जेक्ट्स और टीचर स्टूडेंट जो भी तरीके से आपने देखा है थोड़ा सा उसको एक साइड में रख करके फिर से एक नए विजन के साथ उसको सोचते हैं तो इसमें थोड़ा सा नवीनता है जैसा हम लोग इंडिया में देखते हैं शिक्षा uh, का मॉडल वो ऐसा नहीं है तो क्या इसमें अलग है किस तरह से होगा किस तरह से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और इस इसकी जरूरत क्यों है है ना ये धीरे धीरे उसमें आपको जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो उस प्रेजेंटेशन में सारी बातें आ जाएंगी और यदि किसी का क्वेश्चन रहेगा तो फिर बाद में हम लोग उसको लेंगे तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं भैया है ना एक मिनट ओके भैया कि कोई बता देगा क्या दिखाई दे रहा है इस समय स्क्रीन पे स्क्रीन तो काफी स्क्रीन काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रही सर आ... क्या दिखाई दे रहा है आपको न्यू आ... एजुकेशन new... आब... हाँ नम... बढ़िया बढ़िया बस यही अपने को चाहिए तो जैसा कि राहुल भैया ने पहले ही बताया कि ये जो शेप ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस और इसी उद्देश्य से ये सेप ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है इस सेप ऑर्गेनाइजेशन के अगर पीछे का अगर आप कोई फिलोसफिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो पूरी तरह से मध्यस्थ दर्शन पे आधारित है जिसको हम इंग्लिश में वर्ल्ड व्यू ऑफ हार्मोनियस को बोल रहे हैं और इसके प्रणेता ये नागराज जी हैं जो इंडिया में कर्नाटका से मूलता रहने वाले थे और अमरकंटक में उनकी साधना स्थली और वहीं पे सारा उनका शोध हुआ और वहीं से सारी चीजें उन्होंने प्रतिपादित किया नागराज जी का जन्म 1920 में हुआ था 14 जनवरी 1920 को हुआ था और उनका शरीर शांत हुआ 2016 में तो जो कुछ हम कहने जा रहे हैं उसका अगर कोई बैकग्राउंड में है तो ये दर्शन है, है और आज का जो प्रस्तुति है मूलतः शिक्षा के ऊपर है और हमारा जो एक मेन स्लोगन हम क्यों कर रहे हैं तो हमको लगता है कि आ, मुख्य जो बात है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए और फ्यूचर सिक्योर होने के लिए आज जो कुछ हमको कर रहे हैं वो आज हम करेंगे तो इसका मेन स्लोगन है सेव द प्रेजेंट सेव द फ्यूचर और जो सेव संस्था है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे हम सब लोग मिलकर के काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है इसमें काफी लोगों का एंगेजमेंट है और हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग सब साथ में मिलते हैं तो डेफिनेटली अपने जो सेप ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है उसको पा सकते हैं और जो सेफ ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं हमको लगता है कि पूरी मानव जाति कलेक्टिवली एक खुशहाल एक समृद्ध और एक सस्टेनेबल धरती को चाहता ही है जो सेफ ऑर्गेनाइजेशन है पहले हमने एक प्रेजेंटेशन किया था महाराष्ट्र ग्रुप के लिए उसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ उसके आगे वाली बात है लेकिन जो प्रेजेंटेशन था पिछला उसमें तीन मुख्य बातें थी हमने बताया था कि सेफ 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 ऑर्गेनाइजेशन का तीन मुख्य फोकस है 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 पहला एजुकेशन है दूसरा लिविंग और तीसरा है सेफ कनेक्ट तो पहली बात है शिक्षा का बात समझदारी का बात कि कैसे हम लोग एक सही शिक्षा को पाए हमारे अंदर समझदारी कैसे विकसित हो समझदारी के साथ साथ हमारे जीने में कुछ ऐसा होना है जिससे वो मानव जाति और धरती के कॉम्पेटिबिलिटी में कोई चीज खड़ी हो तो दूसरा जो भाग है सेफ वेबसाइट का वह है जीने के भाग से जुड़ा है और तीसरी जो बात है शिक्षा और व्यवस्था जो जीना है उस उसको लेकर के कैसे हम उसमें जुड़े और दूसरे को कैसे जोड़े उसके लिए तीसरा प्लेटफॉर्म है सेफ कनेक्ट तो एक वेबसाइट के अंदर ये तीन प्लेटफॉर्म आते हैं शिक्षा का भाग जीना या व्यवस्था का भाग और तीसरा है सेफ कनेक्ट जिससे हम शिक्षा और व्यवस्था के अर्थ में खुद जुड़ सकें और दूसरे को जोड़ सके ऐसे तीन लेवल पे वो काम उसमें हो रहा है आज जो हम लोग फोकस करने जा रहे हैं केवल पहले भाग को ले रहे हैं जिसमें सेफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं सेफ एजुकेशन में कई तरह के प्रोग्राम है उसमें एक शिक्षा का भाग है जो इनफॉर्मल एजुकेशन है अनौपचारिक शिक्षा है जिसमें एडल्ट्स के लिए इस, इसके अंदर स्कूल कॉलेज परिवारों के लिए है ना ये पूरा कार्यक्रम है दूसरा उसके अंदर एक भाग है जिसको हम औपचारिक शिक्षा कह रहे हैं या फॉर्मल एजुकेशन कह रहे हैं जिसमें एलिमेंट्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का पूरा प्रोविजन है तो जो औपचारिक शिक्षा है जो हम लोग यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक की बात कर रहे हैं उस शिक्षा का नाम हम लोग रखा है एच एच थ्री एजुकेशन मॉडल तो H3 का क्या मतलब है वो आगे आपको हम स्पष्ट करेंगे लेकिन उसका नाम हमने हम लोगों ने रखा है H3 थ्री एजुकेशन मॉडल अब हम इसको कर क्यों रहे हैं तो मुख्य हम लोग को लगता है कि आज जिस हम समय में रह रहे हैं वो बहुत ही अनिश्चित बहुत ही आ, फास्ट पेस चेंज होने वाले समय में रह रहे हैं और हम बहुत सारे गहरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं और पीछे के दिनों में जिस तरीके से कोरोना वायरस बाकी चीजें आई हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिका चाइना रसिया इंडिया सब एक एक पूरा टेंशन बना हुआ है आपस में कहीं पारदर्शिता नहीं है तो बहुत सारे समस्याओं से हम गुजर रहे हैं तो वो समस्याएं क्या हैं और किस तरीके से मानवता आज कहाँ खड़ी है उसको लेकर के हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे तो अगर हम समस्याएं देखेंगे तो पूरी जो समस्या है धरती की उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं चार बड़े समस्या है और ये जो चार बड़े समस्या है वो पूरी मानवता को खत्म कर सकती है तो पहला जो सबसे बड़ा समस्या है दुनिया में वो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस पर्यावरण की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है और उसमें पर्यावरण में क्या समस्या है एक तो क्लाइमेट चेंज सबको पता ही होगा सभी लोग जानते ही हैं अभी किस तरीके से हमारा वर्षा और सब कुछ जो चक्र है और बाकी चीजें बर्बाद हो रही हैं। दूसरा है इकोसिस्टम कोलैप्स तो जो पूरा इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है और तीसरा है प्रदूषण और उसके साथ साथ और भी सारे हैं जैसे रिसोर्स का डिप्लीशन और बहुत सारी चीजें और है उसके अंदर जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है उसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या है जिससे पूरी मानवता खत्म हो सकती है वो है युद्ध और हिंसा की समस्या जिसके अंदर हम अभी आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं संघर्ष हो रहे हैं साथ में अभी एक संभावना है कि आगे हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू हो जाए और यदि ऐसा होता है तो धरती पे हम लोग को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और इस इसकी संभावना को टाला नहीं जा सकता है ऐसे ही साइबर वॉरफेयर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि हम एक विध्वंसक युद्ध की तरफ पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल हो सकती है जिससे पूरी दुनिया ही खत्म हो सकती है ऐसी भी संभावना है इसके बाद कुछ और जो बड़े प्रॉब्लम है वो है टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी अपने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिस तरीके से अभी एक डिस्टर्पटिव टेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग है ना न्यू सर्विलेंस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और लीथल वेपन्स ये कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जिससे पूरी मानवता को खतरा हो सकता है और एक और बड़ी समस्या हमारे सामने उभर के आती जा रही है वो है वो पेंडेमिक की समस्या कोरोना वायरस तो थोड़ा माइल्ड केस है उतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन आगे आने वाले समय में हम कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक पेंडेमिक को फेस कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा पारिस्थितिकी है जो पर्यावरण है इन्वायरमेंट है बदल गया है खान पान का तरीका प्रोडक्शन के जो तरीके हैं पूरे समाज में जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है हमको लगता है कि हम लोग एक गहरे संकट में फंस सकते हैं तो ये चार जो बड़ी समस्या है पर्यावरण की समस्या युद्ध और हिंसा की समस्या डिसरप्टि टेक्नोलॉजी की समस्या और पैंडेमिक की समस्या ये चार ऐसे बड़े समस्या है जो पूरी मानवता को खत्म करने की ताकत रखते हैं इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें आप देख सकते हैं भूखमरी की समस्या गरीबी की समस्या है ना शिक्षा का अभाव एक मीनिंगफुल शिक्षा का अभाव है पूरी दुनिया में है ना ऐसे हेल्थ क्राइसिस है कोई अमीर लोग हैं उनके लिए अलग तरह की सुविधा कोई गरीब है अलग तरह की सुविधा और किसी को कोई हेल्थ की सुविधा एक्सेस ही नहीं है खाना ही एक्सेस नहीं है तो हेल्थ कैसे एक्सेस होगा फिर असमानता की समस्या इसके साथ साथ हमारे फैमिली में बड़ी पूरी दुनिया में फैमिली और रिलेशनशिप में एक गजब का समस्या दिखाई दे रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है साथ साथ जो पर्सनल प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या एंजाइटी है डिप्रेशन है और सुसाइड है ये भी तेजी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में तो इस तरह से पर्सनल से लेकर ग्लोबल स्केल पे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं ये जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फैमिली का प्रॉब्लम है या पर्सनल प्रॉब्लम है ये जो समस्याएं हैं जो हमने चार दूसरी समस्या बताई जो वैश्विक लेवल पे खतरा हमको दिखाई दे रहा है वो ये समस्या उसको और ज्यादा बढ़ा दे रही है तो जैसे जैसे ये समस्या बढ़ेगी हमारा इन्वायरमेंट का समस्या और बढ़ता जाएगा वैसे युद्ध की समस्या और बढ़ती जाएगी पैंडेमिक की समस्या बढ़ती जाएगी साथ में टेक्नोलॉजिकल जो डिस्टर्बसन है उसकी भी समस्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये प्रॉब्लम और बढ़ता है अब जो मुख्य बात है आपको ध्यान देना है कि ये इन समस्याओं के अगर कोर में जाएंगे तो कुछ कॉमनलिटी है कुछ समानताएं हैं क्या समानता है ये जो सारी समस्या है इसके पीछे कही न कहीं ना कहीं मानव का कोई च्वाइसेस है मानव कुछ कर रहा है मानव की कोई क्रियाकलाप है मानव की गतिविधियों से हो रहा है इसमें कोई भी पेड़ पौधा मधुमक्खी तितली है ना मछली और हवा पानी ये कोई समस्या नहीं कर रहा है इस पूरी समस्या के रूट में जाएंगे तो एक ही है वह है मनुष्य दूसरा जो मुख्य बात है कि ये समस्या कोई एक छोटे से स्थान कोई गांव, कोई तालुका या कोई शहर की समस्या नहीं है कोई राष्ट्र की समस्या नहीं है ये ग्लोबल समस्या है पूरी दुनिया में ये समस्या आपको दिखाई दे सकती है जो तीसरा कॉमन पॉइंट है कि ये सारी समस्याएं हमको एक गहरे संकट में डाल रही है और चौथी जो बड़ी समस्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये जो ग्लोबल समस्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जा रही है और शायद हम कुछ ही समय में ऐसे जगह पहुंच सकते हैं जहां हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच सकते हैं मतलब कोई भी चांस ही नहीं है कि आप मानवता और धरती को बचा सके हम ऐसे जगह पहुंचने की संभावना है कम से कम ऐसा दिखाई देता है और अगर आप ठीक से न्यूज वगैरह देखेंगे रिसर्च करेंगे तो हम लोग काफी कैटास्ट्रॉफिक स्टेज पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी तो हम लोगों को बहुत ही एक्टिवली बहुत ही है ना बड़े विजन के साथ और पूरे मन के साथ इसको फिर सोचना होगा कि इसका क्या समाधान होगा यदि समाधान नहीं निकलता है तो हम बिल्कुल हमारे भविष्य के ऊपर कोई गहरा खतरा है ये ऐसा दिखाई देता है अब जो समस्या है उसको समाधान के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग तो समाधान के लिए जो मुख्य बातें हैं वह है चार बातों का हमको लगता है कि समाधान के लिए जरूरी है पहला तो एक अवेयरनेस होना हम आज जिस अवेयरनेस के लेवल पे खड़े हैं उसी अवेयरनेस से ही ये सारी समस्याएं पैदा हुई है अगर हमारे अवेयरनेस में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है हमारे चेतना में समझदारी में कोई विकास नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम इसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितना हम देख रहे हैं दुनिया में समस्या है यदि उसका कहीं रूट है तो वो है हमारे सोचने समझने या विचार विचार में ही है तो एक विचार के जो हमारी क्षमता है आज जितना हम सोच पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इवाल होने की जरूरत है एक विकसित चेतना को समझने की जरूरत है दूसरी जो बात है कि हमारे पास एक योग्यता का विकास चाहिए जिसमें हम मानव के साथ और प्रकृति के साथ संबंध में तृप्ति पूर्वक समृद्धि पूर्वक जी सके है ना? ना। तो तीसरी जो बात है कि हमारा एक रोल है चाहे वो परिवार है है ना हमारा कम्युनिटी है हमारा बड़ा समाज है राष्ट्र है या वैश्विक लेवल पे हमारा कोई एक रोल है उसमें हमारा एक्टिव एंगेजमेंट होना सब जगह तो उस एक्टिव एंगेजमेंट को कैसे बनाए ये तीसरी एक आवश्यकता है चौथा जो है हम लोगों को एक लार्जर कोऑपरेशन को एक सहकार को इस्टिश करना चाहिए जब तक एक बड़ा एक सहकार वैश्विक लेवल पे लोकल परिवार से लेकर विश्व तक एक सहकार का वातावरण बनाना चाहिए एक ग्लोबल कोऑपरेशन का वातावरण बनाना पड़ेगा और इन चारों चीजों को पूरा करने के लिए यदि कोई रास्ता है तो ना तो कोई आंदोलन से होना है ना मार से होना है कुछ नहीं कर सकते हम लोग अगर इस चारों को इंश्योर करना है, तो एकमात्र जो हमको दिखाई देता है वो है शिक्षा एजुकेशन के माध्यम से इसको हम लोग पा सकते हैं इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नया एजुकेशन मॉडल है जिस सेफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसमें हम इन सबको एड्रेस कर रहे हैं और इस सेफ एजुकेशन के साथ ही जो हमारे विचार में क्या परिवर्तन होना है हमारे संबंधों में क्या परिवर्तन होना है हमारे जो व्यवसाय और कार्य हैं उसके अंदर क्या परिवर्तन होना है इन सारे मुद्दों को इसके अंदर एड्रेस करने की जरूरत है शिक्षा के अंदर तो शिक्षा में विचार हमारा व्यवहार हमारे कार्य सभी आयामों को एड्रेस करना है और जो मुख्य बात है हमको समझना है कि शिक्षा तभी हम सार्थक दे पाएंगे यदि हमको ये पूरा आकलन हो कि आज हम कहा खड़े हैं और हमको पहुंचना क्या है पूरी जो जर्नी है टू दो बिंदु पे है एक बिंदु है कि हम कहाँ खड़े हैं और दूसरा बिंदु है हमको कहाँ पहुंचना है और जहां पहुंचना है उसके लिए फिर पूरी शिक्षा होने की बात है तो हम लोग कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है उसकी चर्चा करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात है शिक्षा की बात करते समय कि जो अभी हम लोग स्कूल की शिक्षा ले रहे हैं या दे रहे हैं जिस रूप में भी हम लोग इंगेज हैं या तो विद्यार्थी के रूप में या एज ए अध्यापक या एज ए पेरेंट या एज ए सोसाइटी जहां भी हम इंगेजमेंट पूरी शिक्षा एक इंडस्ट्रियल एज से डेवलप हुई शिक्षा है जिसको आप बहुत सारे लोग बोलते हैं फैक्ट्री स्कूलिंग बेसिकली अंत में वो इंडस्ट्री फैक्ट्री जॉब मार्केट इसके लिए ही पूरी शिक्षा को तैयार तैयार की गई है और हम उसी के लिए तैयार होते हैं थोड़ी और बातें जरूर उसकी शामिल हो सकती हैं लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वह इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैसे और स्ट्रेंदन करें और कैसे उसको और आगे बढ़ाए इसके लिए पूरा शिक्षा का डिजाइन है और जो इंडस्ट्रियल मॉडल है उसी के कारण ये जो इतनी समस्याएं हमने गिनाई ये उसी से उपजा हुआ समस्या है तो इस तरह से जो आज की शिक्षा है वो किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है क्योंकि हमारे मानव जाति के कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रही है वो तो अभी की शिक्षा क्या है और हमको क्या चाहिए एज ए विकल्प किस तरह से हमारा ट्रांजिशन होगा कहाँ हमको पहुंचना है क्या बदलाव करें शिक्षा में इसका थोड़ा सा आपको हम लोग यहाँ पे देने जा रहे हैं एक तो जो आज की शिक्षा है उसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो उसमें लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडीज आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सब्जेक्ट की बजाय हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं एज ए पर ह्यूमन बींगी एज ए सोसाइटी राष्ट्राष्ट्र और पूरी धरती को लेकर अगर ध्यान देखें तो हमारे कुछ जिंदगी से जुड़े हुए पूरी दुनिया से जुड़े हुए कुछ हमारे मूलभूत आवश्यकता है ना और उन मूलभूत आवश्यकता जो है उसको हम कैसे सेंटर बनाए तो सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम पाना क्या चाहते हैं उसके लिए फिर सारे सब्जेक्ट का अरेंजमेंट किया जा सकता है दूसरी जो बात है कि शिक्षा बहुत ही आज फ्रेगमेंटेड है अगर हमारा कान का अध्ययन हो गया तो नाक नहीं पता है और नाक का अध्ययन हो गया तो गला नहीं पता है ये हमारी हालत है अगर हमको बॉटनी की समझ आ गई तो केमिस्ट्री ठीक से पता नहीं और केमिस्ट्री की के आ गई तो लैंग्वेज नहीं पता है तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड शिक्षा है हम लोग जो शिक्षा की डिजाइन कर रहे हैं वो एक होलिस्टिक और मल्टी शिक्षा की बात कर रहे हैं तीसरी जो बात है कि जो आज की शिक्षा उसका जो मुख्य उद्देश्य है जो अंतिम लक्ष्य है वो है एक विद्यार्थी को जॉब मार्केट के लिए तैयार करना क्योंकि हमको चाहिए डिग्री और डिग्री से क्या मिलेगा अंत में नौकरी तो कुल मिलाकर नौकरी एक प्राइमरी गोल है इस शिक्षा का यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नहीं हमको नौकरी की बजाय एक स्वायत्त मानव कैसे बने एक सेल्फ रिलायंट ह्यूमन कैसे बने जो अपनी सारी जरूरतों को अपने संबंधों में तृप्ति पूर्वक विश्वास पूर्वक जीते हुए सारे अपनी आवश्यकताएं चाहे भौतिक हो या भावात्मक हो सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके साथ साथ पूरी मानवता के लिए उपयोगी कैसे हो सके कैसे धरती के संतुलन में उसका भागीदारी हो सके कैसे धरती पे एक मानवीय परंपरा उदय हो सके उसके लिए वो कैसे बच्चे को तैयार करें इसके साथ साथ जो शिक्षा की आज की शिक्षा में इंफॉर्मेशन मुख्य जो बात है पूरा का पूरा डोमिनेशन सूचनाओं का है जिसने जितना ज्यादा सूचना रट लिया उस वो उतना ज्यादा ज्ञानी माना जाता है और सारी सूचनाओं का कोई रोल नहीं है हमारी जिंदगी में है ना ये नदी कहाँ बहती है वो पहाड़ कहाँ है वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है ये, ये, ये कैसे है दिस इज वॉट वी मेमोराइज इसकी बजाय एक गहरी समझ होनी चाहिए बच्चों के अंदर उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए उसके अंदर जो समझदारी है वो केवल इंटेलेक्चुअल ना रहे बल्कि हमारे जीने में प्रमाणित होना चाहिए एक उत्सव जीवन को वो सृजित कर सके ऐसी शिक्षा ऐसी समझदारी हमको चाहिए जो एक मुख्य मुखर एक मुख्य भाग है शिक्षा में वो है एग्जाम और टेस्ट तो हमारा सारा मूल्यांकन हमने सफल हुए कि नहीं हुए वो इस पे डिपेंड करता है कि हमने कितने एग्जाम पाए कितना मतलब मार्क्स पाया किस तरह के हमारे सर्टिफिकेट हमने इकट्ठा कर लिए है ना तो ये सब है इसकी बजाय एक मल्टीपल वेज में असेसमेंट करना जैसे जैसे बच्चा साथ में एक स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया को भी बच्चों के अंदर नर्चर करना तो मल्टी वेजिसमेंट uh, का मतलब है कि कि कई तरीके जैसे एक बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो अपने मित्रों के साथ कैसे निपता है अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे देख रहा है माता पिता के प्रति उसके अंदर कृतज्ञता का भाव है कि नहीं आज्ञा पालन होता है कि नहीं साथ में सहयोगिता का विकास हो रहा है कि नहीं वो अपने वस्तुओं का सदुपयोग कैसे करता है है ना ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए और हम ही क्यों करें मूल्यांकन वो खुद भी अपना मूल्यांकन कर सके ऐसी योग्यता को उसके अंदर विकास करना चाहिए एक और मुख्य जो बात है कि आज की शिक्षा बहुत ही व्यक्तिवादी है हर व्यक्ति को एकदम तोड़ दे रही है और इस विखंडनवादी शिक्षा में इंडिविजुअलिज्म को खूब नर्चर किया जा रहा है है ना जबकि अकेले में कोई चीज होता नहीं है मनुष्य का सारा कार्य व्यवहार जो है साथ में है तो इस शिक्षा की जो नई शिक्षा आप देखने जा रहे हैं उसके अंदर एक इंटर और कोलैबोरेटिव अप्रोच को एंगेज किया गया कैसे उसको डेवलप करें और जो शिक्षा है बहुत ही पैसिव है, लर्निंग है ना टीचर है ब्लैक बोर्ड है किताबें हैं टेक्स्ट बुक है और क्वेश्चन है आंसर है और हम उसमें कर रहे हैं इसकी बजाय शिक्षा में कैसे बच्चों का एक एक्टिव एंगेजमेंट हो कैसे बच्चे लर्निंग को लेकर इंस्पायर्ड फील करें और उसका प्रमाण यही होगा कि बच्चों को छुट्टी का दिन अच्छा ना लगे अभी क्या होता है कि जो क्लास जब तक होती है तब तक मजा नहीं आ रहा है जब क्लास के बाहर आते हैं तो असली मजा है फिर संडे आ गया बहुत बढ़िया है लंबा वेकेशन का समय आ गया बहुत बढ़िया है अपन लोग क्या सोच रहे हैं ऐसी शिक्षा की संडे की बजाय मंडे को इंतजार करें मुझे स्कूल जाना है एंड ई शुड एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस पूरा इसका एंगेजमेंट हो एंड फील इंस्पायर्ड अबाउट इट इसके बाद जो अनदर जो बात है कि जो पूरी शिक्षा है वो बहुत ही डिसकनेक्टेड है लाइफ से और छोटे छोटे ओरिएंटेड है किसी को अकाउंटिंग कुछ कर रहा है कोई कुछ कर बहुत ही फ्रेगमेंटेड बहुत ही डिसकनेक्टेड लाइफ से तो इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें पूरे लाइफ को एक साथ इसके अंदर समावेश किया गया है अब जो मुख्य जो बात है समझना है कि हम लोग आज हमको स्कूलिंग हम लोग स्कूल्ड हैं या हम सच में शिक्षित हैं कैसे बोले कि हम शिक्षित हैं कि नहीं है हमको शिक्षा मिली या हम केवल स्कूल गए और डिग्री लेकर चले आए और अब बिजी हो गए काम में तो यदि हम शिक्षित हैं तो उसका प्रमाण यह है कि हम स्वयं में दूसरे मानवों के साथ है ना स्वयं में दूसरे मानवों के साथ साथ में पदार्थ अवस्था के साथ प्राण अवस्था के साथ जीव अवस्था के साथ सभी के साथ हारमोनी में संतुलन में जी पा रहे हैं। लेकिन आज हमको क्या दिखाई देता है कि पूरी धरती को हमने बर्बाद कर रखा है जंग, जंगल काट दिया है ना इंडस्ट्री के चक्कर में सब कुछ परिवार समाज हर जगह और इसको हमने पीछे भी गिनाया तो अगर ऐसा है है ना धरती का हाल तो अब तो हम शिक्षित नहीं है यदि धरती खुशहाल है समृद्ध है हम शिक्षित हैं ठीक है तो इस जो नई शिक्षा की हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसी शिक्षा है जिसको हम सभी चाहते हैं ऐसा मेरा मानना है हम सबको लगता है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन हमारे आगे वाली पीढ़ी का भविष्य और बेहतर हो और सुखद हो और खुशहाल हो ऐसा हम चाहते हैं है ना तो इस इस शिक्षा में हम लोग जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को शामिल किए हैं और आ, आगे हम देखने जा रहे हैं कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं तो अभी जो हम लोग शिक्षा देते हैं उसका प्राइमरी जो इवेल्युएशन है हम लोग आई से करते हैं मोलते भाई दुनिया में सबसे ज्यादा आई क्यू किसका है और बड़े बड़े उसपे टेस्ट बड़े बड़े एग्जाम और बड़े बड़े आर्टिकल लिखते रहते हैं है ना कि किसी का आई क्यू एक सौ साठ है किसी का एक सौ अस्सी है तो आईक्यू एक मेजर पार्ट है उसके बाद कुछ लोगों ने IQ के बाद PQ को लाया है ना आ, आ, PQ का मतलब फिजिकल तो एक शारीरिक पक्ष को भी उसमें शामिल किया उसके बाद फिजिकल के बाद कुछ लोगों ने उसको इमोशनल को भी शामिल किया कि लगता नहीं भाई इमोशनल आस्पेक्ट को भी आ, हो, होना चाहिए उसमें एंगेजमेंट और चौथा कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल को भी शामिल किया तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल डोमेन फिजिकल डोमेन इमोशनल डोमेन और स्पिरिचुअल डोमेन ये चार चीजों को हम शामिल कर करके कहीं पे दो तीन कहीं पे पूरी ऐसा शिक्षा दे रहे हैं अब उसमें दि, दिक्कत क्या आ रही है कि वो पूरा अगेन व्यक्तिवादी एक व्यक्ति के ऊपर खाली सोच रहे हैं हम लोग जबकि हम टुकड़े में नहीं है हम सब जुड़ कर हैं तो यहाँ पे हम आई क्यू पी क्यू ई क्यू और एस क्यू की बजाय एक नए फ्रेमवर्क में शिक्षा को लाने जा रहे हैं तो इस पूरी शिक्षा में जो पहला भाग है वो हमारा एस आई क्यू स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल कोशेंट स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डोमेन या आध्यात्मिक बौद्धिक क्षेत्र तो इस इसमें क्या है इसके अंदर स्पिरिचुअल इस का मतलब है हमारा ये संपूर्ण अस्तित्व के साथ जुड़ाव कैसे है ये पूरा जो होल है उसके साथ मैं कैसे अविभाज्य हूं ये वाली बात और उसके साथ मेरे अपने जीवन में हमारे अंदर आशा है विचार है इच्छा है समझदारी है इसके अंदर भी एक संगीत होना इसके अंदर भी एक हारमोनी होना तो अस्तित्व के साथ जुड़ना और अपने स्वयं में जुड़ना और इस तरह से दोनों भाग को एक मिलाकर कह रहे हैं तो हमारा बौद्धिक विकास तब तक नहीं स्वस्थ तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम पूरे अस्तित्व के साथ अपने जुड़ाव को ना देखें जो दूसरा उसके अंदर आयाम है ये जो एस आई क्यू है एक और आयाम से इंटेंगल है वो है सोशल इमोशनल डोमेन तो जो हमारा इमोशनल पक्ष है वो मानव से जुड़ा हुआ है परिवार में आसपास के पड़ोस में है ना गांव में शहर में और पूरे विश्व में पूरी मानव जाति के साथ वो जुड़ा हुआ है तो हम पूरी मानवता के साथ यदि अपनी जुड़ाव को देखते हैं तो हमारा इमोशनल जो एस्पेक्ट्स है वो पूरा होता है तो इस तरह से सोशल इमोशनल कोशेंट ये दूसरा डायमेंशन है और जो तीसरा भाग है वो है ईपीक्यू मतलब एनवायरमेंटल फिजिकल कोशेंट तो जो हमारा शरीर का स्वास्थ्य है वो धरती के स्वास्थ्य से जुड़ा है यदि धरती बीमार है तो हम स्वस्थ हो सकते हैं ऐसी कल्पना एकदम बेवकूफी वाली बात है क्योंकि हमारा जो शरीर का स्वास्थ्य है वो हवा के ऊपर पानी के ऊपर पेड़ के ऊपर सब के ऊपर निर्भर है ठीक है तो जो हम पी क्यू की बात कर रहे हैं, पी की पी क्यू की बजाय हम ई पी क्यू की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फिजिकल धरती और शरीर दोनों को स्वस्थ रखना और सब ये धरती और शरीर तभी स्वस्थ होगा जब हमारा इमोशनल और सोशल डायमेंशन पूरा हो रहा है और वो तभी होगा जब स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल उसको हम एड्रेस कर रहे हैं तो इस तरह से तीनों आयाम को हम लोग जोड़कर देखना और पूरी शिक्षा में स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल इन्वायरमेंटल फिजिकल इन सारे के ऊपर ध्यान देना तो जो अभी हम लोग शिक्षा के डिजाइन किए हुए हैं वो सारे चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है ठीक है अब इसलिए जो हम लोगों ने शिक्षा बनाया वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिव उसके अंदर अप्रोच है जो सभी के वेलबींग well को है ना मानव शासक प्रकृति सबको एक साथ लेकर आगे चल रही है जो अगली बात है कि आज जो हम लोग शिक्षा की जब बात कर रहे हैं बदलाव की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है व्यक्तिगत कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं कि शायद आज से ज्यादा कभी भी शिक्षा को बदलने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी जितनी आज हमको है और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो दुनिया है आज बहुत तेजी से बदल रही है और हर तरफ एक तरह से अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का माहौल है और जो हम आज सीख रहे हैं जो बच्चे हमारे आज समझ रहे हैं वो कल प्रासंगिक होगा कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं तो हर चीज को रेलिवेंट हम कह सकते हैं कि नहीं कहना मुश्किल है जैसे उदाहरण के रूप से आज जो कक्षा एक में बच्चा है मान लो पांच साल का बच्चा है कोई शिक्षा ले रहा है तो जो हमने आज कंटेंट डिलीवरी की जो हमने आज शिक्षा दी वो क्या 2050 में भी प्रासंगिक रहेगा रेलिवेंट रहेगा उसको यूज कर पाएगा हम क्या बेसिक बोले कि आज जो हम दे रहे हैं वो टू के लिए भी उसकी तैयारी रहेगी क्योंकि उसको कम से कम यूटिलाइज करेगा वो 2040 में और फॉरगेट अबाउट 20 साल बाद 30 साल बाद हम 10 साल का भी कोई गारंटी ले सकते हैं क्या कि जो आज हम दे रहे हैं वो 10 साल बाद वो रेलिवेंट रहेगा या पूरी चीजें नई तरीके से सज जाएंगी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं जो दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं अभी हम ये कहने की जगह पे नहीं है कि क्या होने वाला है आगे तो ये गहरा अनिश्चितता एक बहुत ही रेडिकल अनसर्टेनिटी अनप्रेसिडेंटेड चेंज दुनिया में हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें और यदि नहीं है तो हमको लगता है शिक्षा को बदलना चाहिए ताकि हम इस बदलते हुए परिवेश में कैसे एक बच्चे को एक उसके अंदर ग्रिट एक परस्योरेंस एक एजिलिटी एक एक रिजिलियंस रेज, उसके अंदर लाए ताकि किसी भी बदलाव के साथ वो अपने को एडाप्ट कर सके तो इ, इसके कारण से जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो ऐसे एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं जो लाइफ में कभी भी बदलता नहीं है आप आज की बात कर लो 2050 की बात कर लो और uh, 2100 की बात कर लो ये टाइमलेस हमारे नेसेसिटीज uh, हैं और कभी भी यूनिवर्सली किसी भी धरती पे हर मानव को चाहिए ही चाहिए और क्यों ना हमको लगता है कि ऐसे चीजों पे शिक्षा को बेस करें जो कभी नहीं बदलती है ना कि ऐसे चीजों को बेस करें जो हर दिन बदल जाती है तो क्या चीज है जिसपे हम शिक्षा को बेस कर रहे हैं तो जो पहला भाग है शिक्षा में वो है हर बच्चे के अंदर एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड का होना हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कि हर बच्चा सुख शांति संतोष पूर्वक जी पाए आनंद पूर्वक जी पाए उसके अंदर खुशहाल जिंदगी उत्सवपूर्ण जिंदगी के, के को लेकर के एक योग्यता का विकास साथ में अपने शरीर का स्वास्थ्य वो बना पाए तो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड हेल्दी बॉडी ये पहला अपना भाग है दूसरा जो हमको लगता है कि सदा सदा मानव की जरूरत रहेगी वो है एक स्थिर संबंध एक विश्वास विश्वासपूर्ण संबंध और एक एक, एक स्टेबल फैमिली जिसके अंदर हर एक सदस्य का भावात्मक और भौतिक इमोशनल एंड मटेरियल दोनों जरूरतें पूरी होती रहे सदा के लिए पूरी हो तीसरा जो आवश्यकता होगा मनुष्य का वो है एक सोशल हार्मनी होना जिसके अंदर समाज में एक विश्वास का वातावरण हो और पूरी दुनिया में एक सुरक्षा का माहौल हो कोई उसमें भय को भयभीत ना हो किसी भी कारण से भयभीत ना हो और जो चौथी आवश्यकता है वो है कि हमारा प्रकृति में संतुलन हो धरती में संतुलन हो और इस धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सब लोगों में मानव जाति में एक ग्लोबल कोऑपरेशन इनेबल हो और वो सदा के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन हो ये चार चीजें हमारी कभी भी आज कह लो आज की भी जरूरत है कल की भी जरूरत है और आने वाले किसी भी समय में किसी भी धरती पे इसकी जरूरत सदा सदा बनी रहेगी तो हम लोग जो फोकस कर रहे हैं इस शिक्षा में वो उन्हीं चार मुद्दों को फोकस कर रहे हैं क्यों क्योंकि हम सब की आवश्यकता है और हर जगह की आवश्यकता है और इसी को पूरा करने के बाद ही हम लोग इंश्योर कर पाएंगे अपने में आश्वस्त हो पाएंगे कि ये धरती सदा सदा बनी रहेगी और इस पर मानव जाति सदा सदा बना रहेगा अब जो शिक्षा में बदलाव है जितनी बदलाव की बातें कर रहे हैं ये बदलाव के लिए जो मुख्य बात है वो बदलाव है हमारे विजन में बदलाव यदि हमारे पुराने विजन से हम कुछ बदलना चाहते हैं तो नहीं बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा क्योंकि पुराने विजन से ही हमने ये जो बनाया है आज बनाया है तो हमको एक नए विश्व दृष्टि की एक नए विजन की आवश्यकता है एक नए दर्शन की आवश्यकता है एक नए प्रस्पेक्टिव की आवश्यकता है ताकि हम एक नई दुनिया को गढ़ सके और आज की समस्या बेसिकली फंडामेंटली एक विजन का भी प्रॉब्लम है एक दर्शन का प्रॉब्लम है हमने जो भी बनाया एक दर्शन के साथ ही वो बनाया है तो ये जो हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं वो एच थ्री एजुकेशन मॉडल है और एच थ्री एजुकेशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड पहला एच का मतलब है दूसरे एच का मतलब है हेल्दी रिलेशनशिप हेल्दी सोसाइटी कह लीजिए और तीसरे एच का मतलब है हेल्दी प्लेनेट तो तीन एच है और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे एजुकेशन का ये जो तीन एच है उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हारमनी इन हारमनी विथ ईच अदर हारमनी विथ द इन्वायरमेंट और उसको एक और तरीके से बोल सकते हैं हारमनी हेल्थ तो पहले वाला हैप्पीनेस दूसरा वाला हारमनी तीसरा वाला हेल्थ तो तीन एच की बात कर रहे हैं ये तीन चीजें हमको चाहिए और हम ही सभी को चाहिए तो ये हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये इसी पे निर्भर है और जो कुछ भी हम करेंगे जो सब्जेक्ट लाएंगे जो भी हमारे इवेल्यूएशन के तरीके होंगे उसका जो पैरामीटर होगा मूल्यांकन का वो इसी तीन एच के ऊपर अंत में जाएगा ये जो पूरा एच थ्री एजुकेशन मॉडल है इसका अगर कोई दार्शनिक आप समझना चाहते हैं कहां से बेसे कौन से विजन से गाइडेड है तो इसके पीछे जो है मध्यस्थ दर्शन नाम का एक फिलॉसफी है जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी है उनके दर्शन पे आधारित है उन्होंने ही इस सारी चीजों को शुरुआत किया और हम लोगों ने जैसा समझा उसको आपके सामने रख रहे हैं ये जो मध्यस्थ दर्शन है जिसको हम सहस्तित्व भी कहते हैं इसकी जो मूल अवधारणा है वो वो क्या है उसको हम थोड़ा सा रखते हैं और इसमें क्या होना है कि एक एक हमारा एक होलिस्टिक और हारमोनियस लिविंग कैसे हो जिसमें जिंदगी के सारे आयाम जुड़े हैं और हम एक अखंड समाज कैसे बना पाए सार्वभम व्यवस्था का उदय कैसे हो ताकि हम एक संतुलित धरती को बना पाए इस उद्देश्य के साथ ये पूरा इसका जो अगर अल्टीमेट गोल देखेंगे तो अखंडता और सार्वभमता संतुलन को हम कैसे इसमें इंश्योर कर पाए धरती पे तो इसका जो कोर वेल जो लोग अभी नए हैं जो पहली बार रहे हैं इस इस दर्शन का जो कोर है वो ये मानता है कि अस्तित्व में जो कुछ है अस्तित्व में कोई चीज अलग नहीं है टुकड़े में नहीं है अस्तित्व सह अस्तित्व है सभी चीजें साथ साथ हैं कोई भी चीज अस्तित्व में अकेले में एक्जिस्ट नहीं करती है आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है और अस्तित्व में इनहेरेंटली एक हारमोनी और बैलेंस है उसके अंदर एक व्यवस्था है उसके अंदर एक संतुलन है और ये पूरा एटॉमिक परमाणु से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक ये ऐसा ही है हर जगह व्यवस्था और ये जो व्यवस्था है चूंकि हर जगह व्यवस्था है इसलिए मानव के अंदर भी एक पोटेंशियल है कि हम उस व्यवस्था को प्रमाणित कर सके अपने जीने में और इस जो व्यवस्था है अस्तित्वगत व्यवस्था है इसको मानव अपने जीने में ला सकता है कैसे ला सकता है शिक्षा पूर्वक व्यवस्था पूर्वक समझदारी पूर्वक है ना तो इसको हम लोग उसी अस्तित्व की व्यवस्था को मानव जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग ठीक ठीक समझदारी को और अपने भागीदारी को इंश्योर करते हैं तो जो हमने बताया कि थ्री एच ये पहला जो एच है उस थ्री एच को टारगेट करने के लिए हम लोगों ने पहले एच में जो रखा है उसको हम कह रहे हैं बींग या समझदारी ज्ञान और समझदारी का क्षेत्र तो पहले भाग में बच्चों के अंदर ज्ञान और समझदारी का विकास जिससे उसका बींग वाला भाग एड्रेस होता है है ना और क्या है ज्ञान हमारा अपने में कोई एक व्यवस्था है और अस्तित्व में कोई एक व्यवस्था है और मैं अस्तित्व से जुड़ा हुआ हूं इसका समझदारी होना कि मेरे अंदर कैसी व्यवस्था है अस्तित्व में व्यवस्था कैसी है तो मैं और संपूर्ण और मैं और संपूर्ण अविभाज्य हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उस होल को टुकड़े में हम नहीं कर सकते हैं। तो ये वाले भाग से बींग जुड़ा हुआ है और इसी से हम एस आई क्यू जो हमारा आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षेत्र है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और इसका जो फल है हमारे अंदर स्वयं में हार्मनी होना पहले वाले भाग से बिंग से जो दूसरा भाग है इसका वो है फीलिंग का भाग या बिलोंगिंग का भाग जिसको हम व्यवहार का क्षेत्र कह रहे हैं व्यवहार का भाग कह रहे हैं इसके अंदर मानव का संबंध पूरे मानव से तो बींग में मानव का संबंध स्वयं में और संपूर्ण अस्तित्व से और फीलिंग में मानव का संबंध मानव जाति से चाहे वो परिवार हो पड़ोस हो है ना या फिर पूरा समाज हो है ना उनसे हमारा संबंध और इस इस भाग में हम एक जो सार्वभौम मानवीय मूल्य है विश्वास सम्मान कृतज्ञता गौरव श्रद्धा ये सारे को इसके अंदर ले आने वाले हैं और इस वाले भाग से जो हम लोग पूरा कर रहे हैं वो एसई क्यू -E हमारा जो सामाजिक और भावात्मक क्षेत्र है उसको हम पूरा करने वाले हैं और इसका जो फलन है हमारे अंदर वो है अदर परस्परता में होना और जो लास्ट भाग है है वो का डोमेन है। तो डूइंग के डोमेन में हम लोग मानव का शेष प्रकृति के साथ संबंध को स्टैब्लिश कर रहे हैं और इसमें पूरे व्यवस्था का एक समझ जिसमें हम मतलब मानव पदार्थ और प्रकृति जिसके अंदर पदार्थ प्राण और जीव सब आपस में कैसे जुड़े हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था होगी जिसमें हम पूरी धरती के साथ संतुलन को ले आए उसमें हम ई पी क्यू इन्वायरमेंटल फिजिकल जो पर्यावरण और शारीरिक स्वास्थ्य है उसको एड्रेस कर रहे हैं और इस इससे का जो फल है हार्मनी हार्मोनी विदयरमेंट ये होने वाला है इस तरह से तीन भागों में पूरी शिक्षा बटी हुई है जिसको हमने अभी बताया और पहले भाग में एक तरह से सहस्तित्व की मानसिकता का विकास दूसरे भाग से अखंड समाज का रियलाइजेशन uh, और तीसरे भाग से एक वैश्विक कोलैबोरेटिव सिस्टम को स्टैब्लिश करना इस तरह से हर बच्चे के अंदर बीइंग गुड फीलिंग गुड डूइंग गुड ये तीन भाग उसके अंदर एड्रेस होता है तो ये हमारा मेन टारगेट है बीइंग गुड फीलिंग गुड डूइंग गुड शिक्षा के साथ बीइंग गुड का मतलब है जो है आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग फीलिंग गुड का मतलब है सोशल इमोशनल वेलबीइंग और डूइंग गुड का मतलब है एनवायरमेंटल फिजिकल वेलबीइंग जैसा हमने पहले बताया जो बीइंग गुड में है वो है बेसिकली जो हमारी समझदारी है उसका नर्चरिंग होना हर बच्चे में ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता होना और जो फीलिंग गुड में है उसके अंदर हर बच्चे में मानवीतापूर्ण आचरण का उदय होना और जो डूइंग वाला भाग है उसके अंदर निपुणता कुशलता पांडित्य से संपन्न होना मतलब कि वो जो व्यवसाय के कार्यक्रम है जो हमारे हैंड स्किल्स हैं जो वर्क डोमेन है कुशलता होना और जो व्यवहार है उस निपुणता होना और जो व्यवहार है उसके अंदर कुशलता होना और जो हमारा समझ का क्षेत्र है उसके अंदर पांडित्य होना इसके इससे होना क्या है उससे होना है कि एक हारमोनियस व्यवस्था व्यवस्था है ना और परस्परता में हम उभय पूर्वक जीना और प्रकृति के साथ संतुलन जिसमें धरती का ताप का संतुलन वर्षा का संतुलन वन का संतुलन खनिज का संतुलन इन सारे संतुलन को हम उसके अंदर समाहित कर रहे हैं इस तरह से ये तीन चीजें हम हर बच्चे के अंदर नर्चरिंग होंगी इस शिक्षा से एक तो अः होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ना, एक समग्र समझदारी और दूसरा है उसका पॉजिटिव इमोशंस सकारात्मक का निर्माण और सामाजिकता साथ में सेल्फ वो अपने व्यवसाय में भी स्वावलंबी बन सकेगा और इससे जो मानव का लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभ्य तो ये सब हम सबका मानव का, का लक्ष्य है है ना और इसको हम पूरा कर सकते हैं जिससे हर मानव सुख सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीने में सक्षम हो पाएगा इसके अंदर जो थोड़ी सी एक और बात है कि जब आजकल हम सोचते हैं कि कुछ बच्चे बड़े गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं है ना यूनिक चाइल्ड होते हैं ऐसा हमारी मान्यता है उसके लिए हम स्पेशल स्कूल भी बनाते रहते हैं वीडियो पे आपने देखा होगा कि तीन साल का बच्चा बड़े अच्छे पियानो बजा रहा है, है तो हम लोग की मान्यता गहरी है कि हमारे बच्चे कुछ बच्चे बहुत गिफ्टेड हैं और कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं अब ऐसा अगर देखा जाए तो शहर के सारे बच्चे ऑलरेडी गिफ्टेड हैं और गांव के बच्चे नहीं क्यों क्योंकि शहर में जो एजुकेशन उपलब्ध है आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो भी उसके अंदर काफी और ये सब आ जाते हैं गांव में जहां शिक्षा का अभाव है जो बच्चा ठीक से शिक्षा नहीं ले रहा है उनमें काफी चीजें आपको दिखेंगी कि उन बच्चों के जैसा विकास नहीं कर पा रहे या जो फॉरेन कंट्रीज है अब वहां तो बच्चे ऑटोमेटिकली गिफ्टेड पैदा हो गए तो हम लोग ये मानते हैं कि हर बच्चा गिफ्टेड है ही और बच्चों में कोई अलग अलग तरीके के यूनिकनेस नहीं है है क्या गिफ्ट है हर बच्चों में चाहे वो बच्चा किसी भी देश का हो जाति का हो राष्ट्र का हो है ना संप्रदाय का हो क्लास में जन्मा हो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो सब बच्चों के अंदर तीन मुख्य बातें हर बच्चा न्याय से जीना चाहता है मतलब हर बच्चा अपने संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना चाहता है हर बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और हर बच्चा जन्म से ही जब भी बोलना सीखता है सत्य बोल बोलता है जो भी सुनाई देता है उतना ही बोलता है है ना तो ये तीन उसके मूलभूत कह लो फंडामेंटल हर बच्चों के अंदर गिफ्ट के साथ पैदा हो रहा है अब अपने को क्या करना है शिक्षा के साथ कि इन तीन चीज तीन जो गिफ्ट है उसको उसके लिए हर बच्चे के अंदर न्याय पूर्वक जीने की क्षमता से संपन्न हो जाए इसका विकास हो जाए सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता आ जाए और सत्य जानने की पात्रता उसके अंदर आ जाए और सत्य का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम सब साथ साथ हैं साथ साथ होना ही यहाँ पे हम सत्य कह रहे हैं मतलब पूरा अस्तित्व क्या है सह अस्तित्व है यही सत्य है सत्य हम उस रूप में ले रहे हैं यहाँ पे कोई भी टुकड़े में आइसोलेटेड नहीं है अस्तित्व में तो इस तरह से हम इस शिक्षा के माध्यम से जो हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि हर बच्चे में एक स्वयं में उसके अंदर विश्वास पैदा हो ताकि वो स्वयं में व्यवस्था में जी पाए और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाए जिससे उसके अंदर एक निरंतर सुख और एक हायर लेवल का रिजिलियंसी जिससे किसी भी बदलाव के साथ अपने को वो एडॉप्ट कर ले कोप कर ले और उस बदलाव के साथ वो आगे बढ़ने की जगह पे हो कल उसके अंदर निराशा ना आ जाए कि अब क्या करें ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा क्या है कि श्रेष्ठता का उसके अंदर सम्मान ये है ना मतलब श्रेष्ठता क्या है ये पहचान में आना दूसरे मानव के अंदर श्रेष्ठ क्वालिटीज क्या है ये पहचान पाना और खुद अपनी जिंदगी में उस श्रेष्ठता को ले आना पाना है ना इस तरह से मानव के अंदर जो इनहेरेंट अच्छाई है वो वो देख पाएगा इससे और एक ऐसा निर्णय करेगा जिससे सभी का वेलबींग इंश्योर होता है जो तीसरा उसके अंदर बच्चों के अंदर डेवलप होगा इस शिक्षा से वो है उसके प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन ये तीसरी बात है मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता व्यवहार है उसके अंदर एक संतुलन पैदा होगा जो चौथा आउटकम है कि हर बच्चा इसमें व्यवहार में सामाजिक होगा है ना एक रिलायबल संबंध बना पाएगा एक सेटिस्फाइंग तृप्तिदायक संबंध बना पाएगा और हर बच्चा मूल्य चरित्र नीति पूर्वक जीने में सक्षम हो पाएगा और इसके साथ साथ वो स्वयं में विश्वास और पूरे समाज में विश्वास को इनेबल करने की जगह पे आएगा जिससे एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव सिस्टम पूरे दुनिया में एक व्यवस्था का उदय होने का बात है और जो अंतिम बात है कि इस शिक्षा से हर बच्चे में ये योग्यता होगा कि वो अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा कर सकेगा क्योंकि उसको भौतिक जरूरतों की पहचान भी होगी और उसको पूरा करने की योग्यता भी आएगा साथ साथ ये जो भौतिक जरूरतें हैं वो जब पूरा कर रहा है तो सोसाइटल भी प्रोग्रेस होगा रिग्रेशन नहीं जाएगा ठीक है और इसका प्रमाण ये होगा कि वो स्वयं में समृद्धि अभाव का अभाव फील कर पाएगा साथ में धरती में संतुलन की बात को इंश्योर कर पाएगा तो इस शिक्षा को जो हम लोग आमतौर पर एस थ्री एजुकेशन को जानते हैं उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा रेजिंग अवेयरनेस थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य जो बात है कि समझना है कि कुछ भी बदलाव होगा तभी होगा जब मेरे चेतना में बदलाव होगा क्योंकि हम जो भी आज अपने स्वयं में कोई स्थिति देख रहे हैं अपने घर में देख रहे हैं समाज में देख रहे हैं पूरे दुनिया में देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे चेतना का ही रिफ्लेक्शन है हम जितने लेवल पे समझदारी है उतने लेवल पे बाहर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस शिक्षा को हम लोग जो मुख्य कह रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं तो है, जरिए होता है तो जो मुख्य बात हमने अभी तक आपको बताई कि ये सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं है तो कृपया आप सभी लोग शिक्षक हैं या जो अध्यापक पेरेंट्स इसमें शामिल हैं आज के आ, कन्वर्सेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे मतलब गणित विज्ञान भाषा ये जो सब्जेक्ट है इसको नहीं इसको बेस बनाकर कोई शिक्षा हम नहीं दे रहे इसकी बजाय हम लोग एक लाइफ इसेंशियल थीम बेस्ड अप्रोच इसमें हम अपना रहे हैं और जिस जो लाइफ इसेंशियल थीम बेस्ड है पल उसको हमने थ्री एच में बताया था और ये जो शिक्षा है ये रेलेवेंट है पूरी लाइफ से जुड़ा है तो इसके अंदर रियल लाइफ सिनेरियो रियल वर्ल्ड सिनेरियो रियल टाइम की क्या जरूरत है इन सब को समावेश किया गया जब तक हम रियल लाइफ रियल वर्ल्ड रियल टाइम से शिक्षा को नहीं जोड़ते हैं तब तक रियल बदलाव एक वास्तविक बदलाव हमको दिखाई नहीं देगा तो वास्तविक बदलाव तभी होगा जब हम इससे जुड़े तो इसके अंदर जो पूरा लाइफ का पूरा कैनवास है इसके अंदर हम लोगों ने चार जीने के आयाम को जोड़ा हुआ है जिसमें पहला आयाम है अनुभव का आयाम दूसरा विचार तीसरा व्यवहार चौथा कार्य उसके साथ साथ इसके अंदर पांच स्थितियों को हम एड्रेस कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र को शामिल कर रहे हैं तो ये जीवन के जितने भी आयाम है इसके अंदर समाहित है जिसको हम बीइंग फीलिंग डूइंग के रूप में कह रहे हैं तो जो बींग भाग है उसमें जीने का दो आयाम अनुभव आयाम और विचार आयाम मतलब मेरा अस्तित्व से जुड़ाव कैसे है और मेरा स्वयं में जुड़ाव कैसा है तो अस्तित्व में व्यवस्था और स्वयं में व्यवस्था दूसरा मानव की परस्परता में व्यवस्था व्यवहार आयाम तो तीसरा बात हो गया और चौथा जो बात भाग है वह है कार्य का जो आयाम है वो डूइंग वाले में जोड़ रहे हैं और अगर हम पांच स्थितियों की बात करें तो व्यक्ति को बींग के लेवल पे एड्रेस कर रहे हैं परिवार और समाज को हमने समाहित किया हुआ है जिसमें अखंडता तक पहुंचना है अखंड समाज तक वह फीलिंग के डोमेन में और जो कार्य पक्ष है उसमें राष्ट्र और अंतरराष्ट्र को समाहित किया ये जो लाइफ इसल थीम्स है ये सारे थीम्स एच थ्री से ही जुड़ा है जो हमारा तीन एच है जिसमें हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड हेल्दी प्लेनेट इसमें हम नया तरीके का लर्निंग मेथोडोलॉजी अप्रोच कर रहे हैं आपने सुना ही होगा बहुत तरह के एक तो क्लासरूम जो पॉपुलर है वो क्लासरूम स्टाइल लर्निंग मेथड दूसरा एक लर्निंग मेथड है वह है प्ले बेस्ड लर्निंग मेथड है एक और लर्निंग मेथड है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड है कोऑपरेटिव बेस्ड लर्निंग मेथड है कोलेबरेटिव लर्निंग मेथड है फेना बेस्ड लर्निंग मेथड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड ऐसे बहुत सारे लर्निंग मेथोडोलॉजी दुनिया में डेवलप हुए हैं हम यहाँ पे एक नए तरह के लर्निंग मेथोडोलॉजी को आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम बेस्ड रिलेशन सेंटर्ड लर्निंग मतलब व्यवस्था आधारित संबंध केंद्रित लर्निंग तो ये सीखने का अधिगम का एक नया तरीका है जिसके अंदर बच्चा कुछ भी सीखेगा उस सिस्टम क्या मतलब है इसका कि जैसे अगर हमको एक मानव को समझना है तो मानव का जुड़ाव किससे किससे है तो मानव का जुड़ाव दूसरे मानव के साथ परिवार में गांव में शहर में है ना या पूरी दुनिया में कैसे वो मानव जुड़ा हुआ तो उस पूरे जुड़ाव के साथ अध्ययन करना है. एक पेड़ का अध्ययन करना है तो उस पेड़ का पूरे सिस्टम में अध्ययन करना है. सिस्टम का मतलब है कि पानी हवा मिट्टी इकोसिस्टम सबसे जुड़ करके वो कोई पेड़ है और दूसरा जो मुख्य है कि इस पूरे आ, एजुकेशन में रिलेशन केंद्र में है। बिना रिलेशन को रखे बिना संबंध को एड्रेस किए हम संबंध, हम शिक्षा को नहीं दे पाएंगे तो दो मुख्य बात हो गई एक तो व्यवस्था और दूसरा है संबंध इन दोनों को केंद्र में रख करके पूरी लर्निंग मेथोडोलॉजी डेवलप की गई है इसके अंदर और इसके अंदर जो बच्चे के अंदर जो माइंड सेट है वो है सिस्टम एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट मतलब अभी क्या हो रहा है कि हम math, हम प्रॉब्लम 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 सॉल्विंग मैथ ये एक को लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक माइंड सेट डेवलप कर रहे हैं आज हमारे पर क्या समस्या है हाउ टू एड्रेस द समस्या उसकी बजाय समस्या केंद्रित की बजाय एक व्यवस्था और समाधान केंद्रित माइंड सेट का डेवलपमेंट होना है इसमें है ना और अब जो थीम्स हैं, जो एच वन का थीम है उसमें हम लोगों ने छह मेजर थीम लिया है जिससे एच वन होना है तो जो पहला है, मुख है मुख्य हमारा लाइफ थीम, वह हर मानव का एक कॉमन गोल होना हम मानव स्वयं अपने को देखते हैं और पूरी मानव जाति मिलकर के हमारा क्या कॉमन गोल क्या है जीने का लक्ष्य क्या है तो मानव लक्ष्य ये एक थीम है दूसरा है कि पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था है सहस्तित्व है ये दूसरा थीम है तीसरा थीम है प्रकृति तो प्रकृति को अभी हम लोग केवल पेड़ पौधे मानते हैं इसकी बजाय पदार्थ प्राण जीव और मानव सब मिलकर के एक व्यवस्था है और प्रकृति में जो व्यवस्था है वो सभी मानव के अंदर भी वैसी प्राकृतिक व्यवस्था कैसे है ये तीसरा थीम है चौथा जो थीम है हमारा रियलिटी ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ उसको फिर आप देख लेना है ना उसके बाद फिजिकल केमिकल एंड फंक्शन टुगेदर टुगेदरनेस माइंडसेट तो टुगेदरनेस अभी जैसे स्कूल में क्या होता है कि टूगेदर है। है तो से माइंड सेट और जो होना है उसे हेल्दी स्टेट ऐसे ही चार थीम हम लोग ले रहे हैं फीलिंग वाले भाग में जिसके अंदर संबंध मूल्य और परिवार दूसरा है समाज और पूरकता तीसरा है संप्रेषणा मानव संप्रेषणा जिसके अंदर हमारा व्यवहार भाषा कलाएं और मीडिया और चौथा है उत्सवशीलता उसके बाद डूइंग वाले में हम लोग बीस और थीम ले रहे हैं जिसके अंदर है मानव इतिहास और नए युग का शुरुआत उसके बाद है मानव की आवश्यकता एक है ह्यूमन सेटलमेंट मानव अलग अलग तरीके से जैसे गांव शहर जो कितने तरीके से ह्यूमन बीइंग अभी रह रहा है और एक हेल्दी लिविंग सेटअप क्या होगा फिर उसके अंदर एक शिक्षा का है नॉलेज विजडम साइंस ज्ञान विवेक विज्ञान एक थीम है मानव का शरीर एक थीम है आहार स्वास्थ्य और वेलनेस एक थीम है उसके बाद पांच थीम है जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर सिक्लिकल प्रोडक्शन क्या होगा चाहे खेती हो या हैंड्स ऑन प्रोडक्शन हो या फिर इंडस्ट्री हो उसके अंदर सिक्लिकल प्रोडक्शन को समझना और संपन्नता धरती पे कैसे है इसके बाद टेक्नोलॉजी और सोसाइटल प्रोग्रेस एक थीम है सस्टेनेबल एनर्जी एक थीम है रिस्पॉन्सिबल यूज एक थीम है मतलब कि किसी भी चीज का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता क्या है सेल्फ सफिशियंसी डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक थीम है साथ में विनिमय प्रोसेस एक थीम है कि किस तरह से समाज में विनिमय होता है और समाज में लाभ हानि से मुक्त एक फेयर विनिमय को कैसे कर पाएं। इसके बाद न्याय और सुरक्षा एक सभी मानव को न्याय और सुरक्षा कैसे उपलब्ध हो ये एक थीम है साथ में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था एक थीम है फिर एक वैश्विक नागरिकता क्या हो सकता है ग्लोबल सिटीजनशिप या उसको मानवीतापूर्ण आचरण कह सकते हैं ये एक थीम है जिसके अंदर मूल्य चरित्र नीति की बात है साथ में ह्यूमन राइट right एक थीम है ह्यूमन का जो उत्तरदायित्व तो है ये है और ड्यूटी तो हमारा अधिकार मानव अधिकार उत्तरदायित्व तो और कर्तव्य ये एक थीम है और ग्लोबल कोऑपरेशन एंड वर्ल्ड फैमिली वैश्विक सहकार और विश्व परिवार ये एक थीम है और लास्ट का जो थीम है वो है इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड थ्राइविंग अर्थ और सस्टेनेबल हैप्पीनेस मतलब निरंतर सुख ऐसे तीस थीम इसके अंदर सिलेक्टेड हैं और जितने भी दुनिया में आप सब्जेक्ट सोच सकते हो ये सब तीस थीम से एड्रेस हो जाता है उसके अंदर शामिल है।, है ना ये जो तीसो थीम है वो उसी थीम को मैं आगे इसको थोड़ा स्किप कर देता हूं क्योंकि समय थोड़ा हमारे पास कम है तो इस थीम के अंदर ही सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड है तो जो चाहे जियोग्राफी हो मैथ हो साइंस हो सोशल स्टडीज हो लैंग्वेज आर्ट्स हो फिजिकल एजुकेशन हो फाइन आर्ट्स हो हेल्थ हो या हिस्ट्री हो ये इसी थीम से इंटीग्रेटेड है तो जब हम थीम को अध्ययन कर रहे हैं तो इस सारे सब्जेक्ट भी अध्ययन करते जा रहे हैं और इस थीम के लिए जो हम लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई हैं एक तो है बहुत ही बहुत सारे क्रिएटिव एंड कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पूरा समावेश किया गया है आर्टिस्टिक हैंडवर्क का पूरा समावेश है मीनिंगफुल प्रोडक्शन स्किल्स का समावेश है इस तरह से वो थ्री एच से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें सारे हैं जो लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो क्लासरूम स्टाइल या गेम बेस्ड या डेमोक्रेटिक मॉडल लर्निंग स्टाइल नहीं है इसके अंदर सिस्टम बेस्ड रिलेशन सेंटर लर्निंग है इसको थोड़ा आ, समय कम है तो अभी स्किप करना पड़ेगा फिर लोग बाद में पूछ सकते हैं हम लोगों ने बहुत सारे इंपैक्टफुल अवेयरनेस एक्टिविटीज डेवलप किया है डेवलप के साथ में केस स्टडीज डिजाइन प्रोजेक्ट हैंड ऑन टास्क ऐसे बहुत सारे चीजों को उसके अंदर डेवलप किया है इसको केवल अपना ही लर्निंग मेथोडोलॉजी नहीं है इसके अंदर साथ में कोलेबरेटिव लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्ले बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और फेनामेना बेस्ड लर्निंग को भी शामिल किया गया है इसमें जो लर्निंग है हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी चीज लर्निंग है तभी वो प्रमाणित मतलब उसका कोई ऑथेंटिसिटी है जब वो जीने में प्रमाणित हो अगर प्रमाण नहीं है तो उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं तो प्रमाण के स्वरूप में पहला हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड और इसमें जो हर बच्चा जो है ज्ञान विवेक विज्ञान में एक्सीलेंस को पाना दूसरा प्रमाण है व्यवहार में तो हर बच्चे के अंदर रिलेशनल स्किल्स को लेकर के प्रोफिसियंसी आना तीसरा है कार्य प्रमाण जिसके अंदर उसके अंदर ऑक्यूपेशनल स्किल्स में एक्सपर्टीज होना जिससे हेल्दी प्लेनेट इंश्योर हो सके और उसकी भौतिक जरूरतें भी पूरी हो सके अगर हम शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा का जो बच्चे को शिक्षा देने जा रहे हैं उसके चार इनर फैक्टर्स हैं शिक्षा को सफल बनाने है। पहला है शिक्षक सॉरी पहला है शिक्षक अध्यापक अध्यापन विषय वस्तु और प्रणाली ये चार इनर कोर है और चार आउटर उसके सपोर्टिव हैं जिसमें है परिवार हमारा कम्युनिटी और समाज और स, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो और प्राकृतिक वातावरण ये चार आउटर उसके घटक हैं इस तरह से पूरी शिक्षा को ठीक से देने के लिए हमको इन सारे मुद्दे पे इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है तो इसको अगर हम समराइज करते हैं, तो पहला जो मुख्य हमने बताया कि एच थ्री एजुकेशन जिसमें थ्री एच है पहला है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड हेल्दी रिलेशनशिप हेल्दी प्लेनेट इसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने तीस थीम डेवलप किए तो इस 30 थीम को हम लोग तीन जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो पाने के लिए तीस थीम है इस तीस थीम को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज डिजाइन है इस प्रोजेक्ट और डिजाइन इस प्रोजेक्ट के लिए सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया गया तो मतलब क्या है कि अगर कक्षा एक में बच्चा है उसके लिए स्कूल जैसे महाराष्ट्र स्कूल बोर्ड हो या सीबीएसई स्कूल बोर्ड हो या अमेरिका के स्कूल बोर्ड हो उन्होंने जो भी मैथ का कैरिकुलम साइंस का कैरिकुलम अभी तय कर रखा है वो पूरा एड्रेस हो जाएगा लेकिन वो आइसोलेशन में होने की बजाय वो उस प्रोजेक्ट और थीम और एच थ्री के गोल से जुड़ा हुआ है और इस तरह से उसके जो इस पूरी प्रक्रिया को देने वाले लोगों में अध्यापक परिवार पूरा समाज सोशल सिस्टम और ये ये सब मिल करके। तो ये पूरा आपका ओवरऑल विजन हो गया जो इस एजुकेशन मॉडल में इंटीग्रेटेड है इसका जो यूनिक फीचर है एक तो हर बच्चे के अंदर सह अस्तित्व की मानसिकता का विकास सह अस्तित्व का विश्व दृष्टि का विकास साथ में एक होल पूरा होल लाइफ एजुकेशन जीवन के जितने भी पहलू हैं सबको शामिल किया गया है इसके अंदर चेतना का विकास मूल्य शिक्षा के जरिए ये इसके अंदर शामिल है साथ में इसका एक फीचर है कि इसके अंदर लाइफ इसेंशियल थीम्स जिसको हमने बताया जिंदगी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और हम उसके अंदर शामिल किए हुए हैं इसके अंदर जो नया लर्निंग मेथड ला रहे हैं वह सिस्टम बेस्ड रिलेशन सेंटर अप्रोच है बहुत सारे एंगेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ऑफ डिस इंटीग्रेशन की बजाय सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो हो रहे हैं तो अगर किसी का क्वेश्चन हो कि सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कि नहीं तो अगेन मैं बोल रहा हूं सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे लेकिन दूसरे कॉन्टेक्ट के साथ और हमेशा ये टाइमलेस एस्पेक्ट से जुड़ा है तो हमेशा रेलिवेंट प्रासंगिक बना रहेगा इसके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग है तो इस तरह से इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा है साथ साथ है इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसके अंदर एक होलिस्टिक और मीनिंगफुल प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते जा रहे हैं ताकि भविष्य में उनको ये चिंता ना हो कि कल क्या खाएंगे कैसे हमारे कैसे हमारे फिजिकल जो नेसेसिटी पूरा पूरा होगा तो उसके लिए भी पूरा है और एक जीने में प्रमाण आए है ना हिपोक्रेसी नहीं रहेगा खाली बोलने तक नहीं रहेगा या विचार तक नहीं रहेगा साथ वो जीने में हमारे आएगा और वो जो जीना है रियल लाइफ रियल टाइम से जुड़ा हुआ है इस इस शिक्षा से इस शिक्षा से अब होना क्या है तो हमने जो पहला चार मेजर प्रॉब्लम बताए थे क्लाइमेट प्रॉब्लम उसकी बजाय धरती पे ताप का संतुलन ऋतु संतुलन जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं खनिज हैं जंगल है उसका संतुलन और प्रकृति में एक डाइवर्सिटी और रिचनेस मेंटेन होना इसके साथ जो जो युद्ध और हिंसा की समस्या थी उसका भी एक विकल्प उसकी बजाय अब यहाँ पे Uh, मानव अपने अखंडता को कैसे देख पाए साथ में एक वैश्विक सहकार कैसे uh, ला पाए और एक काइंड वर्क एंड बिहेवियर कैसे नर्चर हो सके ये उसका विकल्प इसमें आएगा तो युद्ध से मुक्ति जो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को इसके अंदर ऐसा ही हो कि आज जो टेक्नोलॉजी है उससे भी ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होंगे लेकिन वो टेक्नोलॉजी पीपुल एंड प्लेनेट फ्रेंडली होने चाहिए और मानव के जो संपूर्ण विकास है वेलबींग है उससे जुड़ा होना चाहिए समाज प्रोग्रेस करे ना कि रिग्रेस करे और समाज प्रोग्रेस का मतलब है कि धरती संतुलित हो उस रूप में पूरी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन इन, करने का है और जो आ, आगे आने वाले या अभी हम जूझ रहे पेंडेमिक की समस्या उसको एड्रेस करने के लिए एक संतुलित व्यक्तित्व जिसके अंदर हमारा एक रिस्पॉन्सिबल फूड चॉइसेस लाइफस्टाइल हमारा संबंध और साथ में जो वैश्विक लेवल पे हम कैसे परस्परता में आपस में विश्वास को सहयोग को और पारदर्शिता को इंश्योर करें क्योंकि पेंडेमिक की समस्या जैसी चीजें अगर हम पारदर्शिता नहीं है समाज में राष्ट्रों के बीच में सहयोग सहयोगिता नहीं है विश्वास नहीं है तो हम इसको है, हैंडल नहीं कर पाएंगे इसके साथ साथ जो और सोशल प्रॉब्लम बताए हंगर पाव भूखमरी गरीबी ये सब अभाव असमानता की समस्या बताए या परिवार की समस्या बताए इसके विकल्प में बच्चों के अंदर उसका भी एक समाधान आएगा इसको आप लोग बाद में देख लेना हम अपलोड करने वाले हैं समय कम है इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूं इसके साथ साथ जो अनौपचारिक ये तो हो गया औपचारिक सेफ एजुकेशन आसो टीचर्स के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर, कर कर रहे हैं तो उसमें टीचर्स के लिए होगा और हम लोग मानते हैं कि हैप्पी टीचर्स कैन चेंज द वर्ल्ड है ना खुशहाल अध्यापक ही दुनिया में बदलाव ला सकता है और उसी से एक फ्लरिशिंग फ्यूचर हम देख सकते हैं तो हैप्पी टीचर चेंज द वर्ल्ड ये थीम अपने को समझना चाहिए ये स्लोगन याद रखना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने अध्यापक के लिए पूरा एक प्रोग्राम ला रहे हैं साथ में हैप्पी फैमिली हैप्पी वर्ल्ड अगर दुनिया में खुशहाली आनी है तो परिवार खुशहाल होगा तो ही दुनिया खुशहाली आएगी तो परिवार कैसे खुशहाल हो उसके लिए एक पूरा एजुकेशन प्रोग्राम ला रहे हैं साथ में स्कूल जो है किस तरीके से बिकम अ प्लेस ऑफ जॉयफुल लर्निंग उसके लिए एक प्रोग्राम ला रहे साथ में यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव हो उसके लिए एक प्रोग्राम है, है ना तो हम आप लोगों को उसका कैरिकुलम उसके सारे रिसोर्स एक्टिविटीज लेसन प्लान क्लासेस ये सारा चीजें उपलब्ध कराएंगे जो प्लेटफॉर्म है किसी को ये लगेगा इसके में क्या खर्च लगेंगे कितना पैसा लगेगा तो आपको बताना है कि ये जितने भी ये ज्ञान के कार्यक्रम है ये सारा निःशुल्क होता है इसका कोई चार्ज नहीं है कोई फीस नहीं है ये समाज में हम लोग को भी ऐसे ही मिला श्री एक ना, नागराज जी ने कभी भी एक पेनी किसी से लिया नहीं और हम लोग को लगता है कि ज्ञान का व्यापार नहीं है तो हम लोग इसको पूरा समाज में एक गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं इसमें किसी भी तरह का किसी भी कोर्स के लिए किसी भी तरह का कोई मनी आपको देना नहीं है और ये जिनको पास स्कूल है या जो लोग अपने स्कूल में लॉन्च करना चाहते हैं या फिर किसी और तो उसका जो लॉन्चिंग पीरियड है इस पूरे वेबसाइट का वो होगा 14 जनवरी 2021 जो श्री ए नागराज जी का जन्मदिन है उसी दिन हम लोग लॉन्च करेंगे और अगर आपको स्कूल में ले आना है तो आप 2021 हजार इक्कीस बाईस के स्कूल ईयर से इसको लॉन्च कर सकते हैं शुरू में जिनके पास में स्कूल है के टू ट्वेल्व और अगर होम स्कूलर हैं जिनको होम स्कूलिंग देना है बच्चों के लिए वो, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनके लिए भी पूरा व्यवस्था है इसके अंदर और जो आप लोगों ने अभी जितनी देखा ये मेरा महेंद्र का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है मैंने इसको नहीं बनाया है हम लोग एक कलेक्टिव टीम है जिसमें यहाँ भी लोग हैं और भारत में भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया उसको मिल करके कंपाइल करके इस काम कर रहे हैं और हमारा हम लोगों के मानना है कि जो सफलता है ना मानव जाति की वो साथ साथ में ही है और तभी हम एक बेहतर शिक्षा को दे पाएंगे तो ये हो गया मूल रूप से शिक्षा की बात और इसमें किसी को भी किसी भी तरीके से इंगेज करना है है ना आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है किसी भी लेवल पे तो आप हम लोगों से संपर्क करिए अगर आप लोग अपने स्कूल में ले आना चाहते हैं होम स्कूल में देना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करिए और ये संपर्क के लिए जो हमारा व्हाट्सएप का आपका अभी है व्हाट्सएप महाराष्ट्र है ना आप उसमें शामिल रहिए और उसके अंदर सारे रिसोर्स उपलब्ध रहेंगे लेकिन अगर किसी और को चाहिए तो मेरा पर्सनल जो ईमेल है वो अभी रखा है लेकिन अभी मैं एक दूसरा ईमेल देने वाला हूँ जेवी डॉट महेन एट जी मेल डॉट कॉम मेरा व्हाट्सएप नंबर महाराष्ट्र के व्हाट्सअप नंबर में भी है वो प्लस वन फोर जीरो एट जीरो जीरो अंत में जो बात कहनी है कि बेटर एजुकेशन बेटर लिविंग बेटर वर्ल्ड ये बात कह के मैं पूरा करता हूं इसको इस वाले भाग को समय थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया मेरे को दो मिनट और लेता हूं एक ओवरव्यू दिखा देता हूं आपको एक थीम का है ना तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक थीम मैं आपको दिखा देता हूं कोई बताएगा कि क्या दिख रहा है अभी आपके कंप्यूटर पे एक लोग कोई बता दीजिए रिलेशनशिप इमोशन ठीक है तो आपने देखा था 30 थीम 30 थीम में जो सातवां थीम था वो है रिलेशनशिप इमोशन एंड फैमिली तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सारे तीसों थीम को डेवलप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भागीदारी करिए हमने एक प्रोटोटाइप उसका एक कह लो मॉडल थीम का बना दिया है तो पहले भाग में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको इसका एक प्रस्तावना है या इंट्रोडक्शन है परिचय है कि ये थीम क्या है है ना तो मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन में थोड़ा समय लगेगा और जिनको और चाहिए तो वो बाद में ले लेंगे तो हम या हिंदी में पढ़ देते हमारा ना बचपन से जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सबकी कुछ आवश्यकता है वह आवश्यकता है भौतिक भी है और भावात्मक आवश्यकता है मतलब मानसिक भी आवश्यकता है भावात्मक आवश्यकता है ये जो सारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हमको कोई दूसरे मानव की जरूरत है है ना और वो जो आवश्यकता है वो बेसिकली इट इज इन अ फैमिली वेयर वी कैन लर्न बेसिक्स इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा अभी कल ही तैयार किया सारा तो uh, मेरा सेट नहीं है हिंदी में इसको फ्रॉम चाइल्ड हुड टू ओल्ड एज वी नीड अदर पीपुल टू फुलफिल आवर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स इट इज इन अ फैमिली वेयर वी कैन लर्न

Our relationship रिलेशनशिप tremendous potential पोटेंशियल फॉर म्यूचुअल फॉर म्यूचुअल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट हमारे जो uh, संबंध है उसके अंदर एक असीम संभावना है हमारा जो विकास है हमारे अंदर जो तृप्ति है उसकी एक असीम संभावना हमारे संबंधों में है हेल्दी फैमिली नर्चर्स बैलेंस एडल्ट एंड बिकम द फाउंडेशन फॉर द हेल्दी कम्युनिटी सोसाइटी इन प्लेनेट जो परिवार है यही एक हर मानव को एक एक संतुलित मानव को नर्चर करता है और ये जो परिवार है एक बिल्डिंग ब्लॉक एक फाउंडेशनल यूनिट होता है हमारा पूरा जो समाज और धरती स्वस्थ रहे उसका उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा परिवार ही है तो ये हो गया आपका बेसिकली उसका परिचय तो जो लोग भी लिखेंगे मैं उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह भेज दूंगा सबको इसके अंदर अब दो पॉइंट है परिचय के बाद एक तो हमारा करेंट चैलेंजेस क्या है हम कहाँ खड़े हैं दूसरा हमको कहाँ पहुंचना है तो ये दूसरा भाग है तो अगर हम करेंट चैलेंज ले जाए तो आज हमारे सामने ये सारे चैलेंजेस हैं कि हम हम डिस्ट्रस्ट और अनसर्टेनिटी को देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्शन एंड डिसएग्रीमेंट है है ना फाइनेंशियल स्ट्रेस है ओवर वर्किंग एंड लैक ऑफ टाइम है ना एंजाइटी डिप्रेशन लोनलीनेस डिसफैक्शन ये सारी समस्या है और हमको पाना क्या है टुअर्ड्स हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होम तो इसमें हमने कुछ लिख रखा है और मैं आपको पीडीएफ कल शेयर कर दूंगा सबको उसी ग्रुप में तो ये हो गया पहला परिचय देना है फिर उसका दो पॉइंट है हम आज कहाँ खड़े हैं ये कहाँ हमको पहुंचना है तो पूरी शिक्षा है जर्नी है जहां हम आज समाज कहाँ है और कहाँ पहुंचना है उसकी एक जर्नी है इसमें फिर हम लोगों ने एक इस पूरे थीम का ऑब्जेक्टिव क्या है तो हर बच्चा जो है हेल्दी एंड रिलायबल रिलेशनशिप कैसे इंश्योर कर सके पॉजिटिव इमोशन नर्चर कैसे हो है ना साका, जो मूल्य है वो कैसे नि, 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 हो, और हैप्पी एंड स्टेबल फैमिली का ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फिर उस इसको पाने के लिए किंडर गार्डन में कुछ कार्यक्रम है इसका कैरिकुलम है कि किंडर गार्डन में हमको ये चीजें अटेंड करना है एक साल में ग्रेड वन टू थ्री में ये चीजें हैं तो जो किंडर प्लस दिस तो एक से तीन में ये और ये दोनों मिलकर के जब हम चार से छ में जा रहे हैं कक्षा में तो पहला दूसरा प्लस ये इतनी चीजें चार से छ में है प्रोग्रेसिव मैनर में है ठीक है फिर ऐसे ही सात आठ नौ में भी है ठीक है तो अभी हम लोगों ने कक्षा छह तक एलिमेंट्री तक लिया है तो ये आपका कैरिकुलम है इसको मैं भेज दूंगा तो इसके अंदर अगेन परिचय पूरा ब्रीफ कहाँ खड़े हैं कहाँ पहुंचना है और पहुंचने के लिए क्या हमारा उद्देश्य और क्या कैरिकुलम हम बच्चे को डेवलप दे रहे हैं फिर उसको पाने के लिए हम लोगों ने एक और चीज किया हुआ है इसको मैं फिर से अभी आपको एनीवे anyway, अभी उसको छोड़ देता हूं ये है सर तो फिर अगला होगा कार्यक्रम की उसके अंदर जो हमारे इंक्वायरीज कुछ क्वेश्चन है कुछ पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैं मेथोडोलॉजी में क्या क्या करेंगे और कौन कौन साइंस में क्या होगा मैथ में क्या होगा स्किल इसी परिवार में फिर मैथ साइंस लैंग्वेज ये सब जुड़ा है उसके अंदर इंक्वायरी मॉडल कोऑपरेटिव मॉडल प्ले बेस्ड फिनमेंटल बेस्ड लर्निंग भी इंक्लूडेड है तो क्या है उसको मैं भेज दूंगा सभी को आप लोग देख लेना अभी मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ सारी बहुत समय ज्यादा हो गया आप लोग क्वेश्चन हो तो पूछिए बाकी मैं आपको भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे तो आप व्हाट्सएप पे बने रहिए सेप जो आपका महाराष्ट्र है उस पर बने रहिए सारे रिसोर्स बहुत सारे गाने कहानियां लगातार उसमें आपको अपडेट होते जाएंगे उसी उसी पे मिलते जाएगा तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आ, सभी तो से तो अनुरोध है कि हम पूरी क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे उम्मीद भैया बात कर फिर भी एक दो तो प्रश्न ले लेते ले ले हैं या एक दो तो फीडबैक ले लेते हैं कोई भी व्यक्ति एक आधा फीडबैक देना चाहे दे दे हेलो 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 सर मैं आई आस्क वन क्वेश्चन हेलो हाँ बोलिए हाँ पूछिए पूछिए सर आजकल एक एक समस्या है एजुकेशन कॉरिकुलम की इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री इन आवर कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में न, आप अगर जैसे महाराष्ट्र है या एनसीआर टी है या सी बी एस सी है या मान लो कैनेडा का स्कूल बोर्ड है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप उसी को देना है आपको वही सब्जेक्ट ही पढ़ाने हैं लेकिन उसका तरीका अलग हो रहा है अच्छा तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं छूटेगा उसमें जो उन्होंने कैरिकुलम सेट किया बल्कि इसमें बच्चा बहुत जल्दी ही उस करिकुलम में एक्सीलेंसी को पालेगा हाँ, तो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंटीग्रेटेड है तो कैरिकुलम जो सब्जेक्ट का कैरिकुलम गवर्नमेंट तय करे जो भी देश का गवर्नमेंट है और जो भी स्कूल बोर्ड फॉलो करना है हम लोगों ने उससे ज्यादा कुछ बना दिया है और उसी में आपका स्कूल तो मान लो कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगता है कि भाई उसको हमारे बच्चे को ये करिकुलम देना है तो ठीक है दीजिए आप इसको मॉडल को अपना सकते हैं उसमें उनका जो करिकुलम है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा ओके अच्छा आ, सर होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए सर अपना क्या है कैसे कर रहे हैं तो होम स्कूलिंग के बारे में भैया इसमें हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं क्योंकि अभी क्या हुआ दुनिया में बहुत तेजी से जो कोरोना वायरस फैला उसमें बहुत सारे लोगों लोग अभी बच्चे घर पे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो जितना आप इसमें आप देख रहे हो जो हम लोग शिक्षा मॉडल ला रहे हैं वो पूरा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा तो आप अपने घर पे लोगों से मिल करके या आपको स्कूल बनाना है अपना दस परिवारों को मिल करके आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं अपने घर में पूरा रिसोर्स पूरा लेसन प्लान कहानियां गेम्स किताबें सब कुछ ऑनलाइन रहेगा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इसमें और आपको क्या करना होगा कि जो स्कूल बोर्ड है इंडिया में उससे उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो भी स्कूल अगर कनाडा में है तो कनाडा स्कूल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराए अमेरिका में तो अमेरिका में कहीं रजिस्ट्रेशन करा लेगा क्योंकि वो जो स्कूल बोर्ड है उसका तो उसको कवर ही होना है तो आराम से बच्चा पास कर लेगा और आप इस शिक्षा को दे सकते हैं बहुत अच्छा सर वेरी थैंक यू वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर मेरे लिए काम हो तो जरूर बताए भैया काम नहीं सब लोग मिलकर करेंगे देखो अकेले में काम नहीं हो सकता है सहभागिता से ही काम होगा आप इसमें शामिल हुई आपका बहुत स्वागत है और अभी हम लोग कल परसों से एक पूरा प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप सभी लोग उसको बनाने में लग सकते हैं अच्छा सर टीचर ट्रेनिंग का क्या है सिस्टम भैया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने जैसे बताया थीम तो थीम के ऊपर एक पूरा टीचर्स ट्रेनिंग है ऐसे ही लर्निंग मेथोडोलॉजी के ऊपर एक टीचर्स ट्रेनिंग है ऐसे ही अलग अलग जो उसके सेगमेंट है ना उसको लेकर के एक पूरा बनाया है पैकेज जिसमें जब टीचर्स ट्रेनिंग होगा तो पूरा का पूरा पैकेज डिलीवरी होगा टीचर्स की ट्रेनिंग होगी उसके अंदर कि जैसे हम अगर मान लो अच्छा एक में देना है तो हम इसको कैसे देंगे ताकि सब्जेक्ट भी आ गया ये भी आ गया तो होगा कैसे उसके लिए ट्रेनिंग है पूरी महेंद्र भैया बहुत बहुत नमस्त, नमस्ते धन्यवाद नमस्ते अशोक भैया भैया बड़ा अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अभी स, अपने सभी साथी जो सुन रहे हैं इनको एश्योर कर सकता हूँ कि यही एक तरीका है क्योंकि मैं तो इसमें काम कर रहा हूं यही एक तरीका है दोस्तों इस धरती को स्वर्ग बनाने का और एकमात्र तरीका है अभी ना मानो तो एक तरीका और बाद में मानोगे तो एकमात्र तरीका क्योंकि मैं इसको मैं इसको सालों से अभ्यास कर रहा हूं और मैं बड़ा खुश हूं और ये खुश नसीब पल है कि महेंद्र भाई ने जिम्मेदारी संभाल करके यहाँ ये हेल्प करनी शुरू करी और मैं कहता हूँ इसको अजमा के देखो रेगुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे जिसके लिए आपके बोर्ड ऑथराइज कर रखे आपको आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जब आदमी समझदार हो जाता है तो सब्जेक्ट अपने आप ही कर लेता है बहुत टेंशन का जॉब नहीं है तो मैं इतना ही कहूंगा बाकी तो महेंद्र भाई और सभी लोग बहुत सक्षम हैं सर प्लीज कैरी ऑन और हम जैसे लोगों को भी गाइड करते रहिए क्योंकि भैया एक इसमें और सक... बता देता हूँ कि इसमें पूरे साल के लेसन प्लान है तो जब हम देंगे आपको तो ऐसा नहीं कि क्या करना है ये सब नहीं है आपके तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं उसमें कुछ छुट्टियां हो जाती हैं जो बचे दिन रहते हैं क्लास के डे बाय डे एवरी डे का लेसन प्लान कैसा होगा वो भी देने वाले हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये करें कि वो करें ऐसा नहीं है कुछ पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक और पूरे साल का दिनचर्या एक्टिविटीज कितने घंटे के क्लास होंगे थर्टी मिनट्स के होंगे कितने कितने क्लासेस होंगे बाहर गेम में क्या होगा उसके लिए किताबें उसके लिए कहानियां उसके लिए वीडियोज उसके लिए सॉन्ग उसके लिए मूवमेंट ये पूरा पैकेज है सो नथिंग बी लाइक यू हैव टू थिंक कि क्या करना है ये सब कुछ एक साथ मिलेगा बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया हरिहर हरिहर भैया और एक आधा ले सकते हैं फीडबैक हाँ हाँ किसी के पास और कोई क्वेश्चन है नमस्कार, मैं श्रीकांत बोल रहा मुंबई से पहली बात तो ऑन on ऑनसेट मुझे आपके सिलेबस से आपके विजन से काफी बहुत ही इम्प्रेसिव वर्क हुआ है बहुत वाइड स्पेक्ट्रम वर्क किया है आपने काफी सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए लाइक एक इंटर डिपेंडेंसी जो है उसको समझाया है uh, मैं एक बात जानना चाहता हूँ uh, इस मॉडल का ऑनगोइंग इवेल्युएशन कैसा होगा uh, इसको अगर uh, आज कल परसों में कुछ अगर इसमें बदलाव लाने होंगे तो कैसे लाए जाएंगे या यू uh, नो you know, uh, आपने एविडेंस बेस्ड भी कहा तो हम इसमें एविडेंस किस प्रकार से कलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें भी बहुत सारे uh, तकनीक होंगे तो अगर आप बहुत, कर सकते। yes. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया देखो ये महत्वपूर्ण है तो इसमें पूरा एक होलसम इशन मेथड को हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसमें ये भी एक भाग है कि कैसे इवेलुएशन को करेंगे और उसका जो क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड बनना है बच्चे का वो अभी जैसे मार्क दे देते हैं हिंदी में पचास नंबर इसमें इस तरह का रिपोर्ट कार्ड नहीं है वो स्कूल के लिए जरूर है लेकिन इसके अंदर एक नए तरह का रिपोर्ट कार्ड का भी पूरा विजन है लेकिन वो एक अलग मतलब वो पूरा आधे घंटे का वो एक टास्क है अब समझिए इवेल्युएशन को लेकर ऐसे ही आधे घंटे का एक पूरा एक हम लोग वीडियो ला रहे हैं जिसके अंदर लर्निंग मेथोडोलॉजी के ऊपर है ऐसे ही आधे घंटे में एक थीम के ऊपर है तो वो एक जब टीचर्स ट्रेनिंग होगा उसको विस्तार से बताएंगे लेकिन इसमें मल्टीपल असेसमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर उसके समझदारी का उसके व्यवहार का और उसके एक्युपेशूनल जो स्किल्स हैं उन तीनों का आकलन है अलग-अलग तरीके से उसको असेसमेंट कर रहे हैं ताकि एक होलसम फीडबैक मिले तभी हम बच्चे के साथ ठीक से आगे उसका विकास में सहायक हो सकेंगे थैंक यू मंत्री जी हम लोग अभी ऐसा कर सकते हैं कि या तो 10-15 मिनट थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं जिन लोगों को जल्दी जाना हो वो लोग निकल भी सकते हैं और कुछ लोगों के जो प्रश्न है महेंद्र भाई और ले सकते हैं तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार कंटिन्यू कर सकते हैं या आ, सकते हमारे हैं, बाकी ग्रुप में लिखा हुआ रहेगा आ, बस एक मुझे कमेंट देना है कि ये जो खरा है कि महेंद्र भाई ने बनाया भैया देखो मैंने नहीं बनाया आपको पहले बता दूं ये ना एक कलेक्टिव एफर्ट है उसमें हम भी उतना ही शामिल है, है। यहाँ पे टीम है इंडिया में बहुत सो so, बहुत सारा वर्क होके है है ना इसको मैं, प्रस्तुत मैं कर रहा भाई प्रेजेंट तो कोई एक ही आदमी करेगा सौ लोग मिलके तो करेंगे नहीं तो प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला है बाकी कर रहे हैं बहुत टीम मिलके कर रही है हमारा इसमें बहुत ही छोटा सा रोल है इस पूरे अभियान में तो ये अभी क्या है, कि बड़ी से ये है, वो हो रही है तो कुछ भाग इसमेंगे एक, में जितना जितना एक, एक बार के अंदर में जल्दी जल्दी में देखना नहीं होता है लोग अपने फुर्सत से पूरी चीजों को देख ले और अपना कर पाएंगे प्लस उनके अंदर में कुछ कुछ ट्रेनिंग मटेरियल भी मेरे को लगता है कि एक महीने में डाल दिया जाएगा तो सब लोगों के साथ में काम करने के लिए और अभी ग्रुप के अंदर में महेंद्र भाई कुछ और चीजें डाल देंगे जिससे कि ये जो थीम्स जो तीस थीम है एक थीम के बारे में आप थोड़ा देख लेंगे तो बाकी थीम्स के अंदर में आपकी वर्किंग अपने हिसाब से शुरू कर पाएंगे तो हम लोग इसके बाद में थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू हो जाएगा और पूरा पूरा ये जो चीज है वो भी धीरे धीरे खुल जाएगी हम्म बहुत बढ़िया तो उस उस जो आपको अमेद भैया ने भी बता दिया जो जब मैं आपको सर्कुलेट करूंगा तो उसका इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा और जो भी है आपको डिजाइन कुछ नहीं बनाना है डिजाइन हम लोग बनाएंगे उसका लेआउट हम लोग बनाएंगे आपको केवल लिखना है और लिखने वाले भाग में पहले भाग में उसका इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ कि कैसा हो सकता है अगर आपको लगता है कि ये जो हमने इंट्रोडक्शन बनाया उसमें अधूरापन है यू कैन आलोस गिव अजेशन आप पूरा स... उसमें फीडबैक दीजिए कोई फाइनल वर्जन नहीं है ये ठीक है उसको हम पूरा बदल सकते हैं तो सभी को हम लोग देंगे और सेफ्ट अभी टीम काफी बड़ी है सेफ्ट महाराष्ट्र में भी काफी लोग हैं गुजरात में भी बहुत लोग हैं राजस्थान है तो बहुत सारे लोगों से फीडबैक आएगा तो जब आप लिख कर देंगे तो ये मत सोचिए कि आपका पूरा एज इट इज हम लोग शायद ले लेंगे हम सब सारे फीडबैक को फिर कंपाइल करेंगे और फिर उसका एक समरी बना करके उसको एक फाइनल वर्जन में ले आएंगे तो जो मैं दे रहा हूँ भाग है परिचय दूसरे भाग में हम कहा खड़े हैं मतलब समस्याएं क्या हैं, धरती की और तीसरे भाग में वो हो, होगा क्या सोल्यूशन हो सकता है कहाँ हमको पहुंचना है और फिर उसका नीचे वाले भाग में ऑब्जेक्टिव और उसका किंडर सब में सेलेबस में सेट करना कि कच्चा है एक में क्या पढ़ेगा दो में क्या पढ़ेगा तीन में क्या पढ़ेगा, चार में क्या पढ़ेगा, पांच में क्या पढ़ेगा, ताकि उसको जहां खड़े हैं और जहां पहुंचना है वो कैसे पहुंचेगा उस करिकुलम से ठीक है वो आपको मैं बनाकर भेजता हूं कल वो बना हुआ ही है इसी को मैं भेजूंगा तो पूछिए जिनको जाना है अभी जा सकते हैं और जिनको रहना है रह भी सकते हैं क्योंकि समय तो पूरा हो गया पांच मिनट ज्यादा ही हो गया तो हम लोग दस मिनट और कोई क्वेश्चन आंसर है ले सकते हैं नमस्ते जी बहुत अच्छा लगा और आप इसे हरियाणा में भी इसी प्रकार से ग्रुप बना करके एक बार इसी प्रकार से मीटिंग आयोजित करें और जो कुछ ऐसे हैं जो निज निजी संस्थाएं हैं उनमें भी इसको हम सब जो है कुछ साथी हैं जो लागू करना चाहते हैं उसके लिए भी आप गाइडलाइन देंगे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा है तो हरियाणा और हम लोग सोच रहे हैं हरियाणा पंजाब ये दोनों मिला करके एक टीम बनाने का इट विल बी कॉल्ड सेफ मान लो हरियाणा कर, कर सकते हैं उसमें ऑलरेडी कुछ लोग हैं तो क्या करते हैं कि आप ना इस महाराष्ट्र में या उमेद भाई का अगर कहीं नंबर मिल जाए सबको मैं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ वो पूरे ग्रुप में है चांद भाई मैंने आज उनको खास बुलाया है चांद भाई को अच्छा ठीक तो है हाँ हाँ। तो उमेद भाई हाँ। उसको कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ जो ग्रुप बनाने का सारा कोऑर्डिनेशन उमेद भाई कर रहे हैं तो उमेद भाई सारे ग्रुप में वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वो सेप हरियाणा भैया बना देना कुछ धन्यवाद मतलग... हाँ। उम्मीद भाई जी वो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सब सबका मिलजुल के काम है पूरा जी जी <laughs> सब लोग एक्चुअली अलग अलग रोल में है मेरा कोई रोल है वो मैं कर रहा हूँ और उमेद भाई का कोई रोल वो कर रहे हैं कोई रोल मेरे पत्नी का वो भी कर रही है बहुत सारे लोग हैं तो अपन लोग रोल को आ, कर रहे हैं फिर महाराष्ट्र में जैसा होगा अपना अपना फिर रोल आएगा तो लोग करेंगे ठीक है और कोई क्वेश्चन महेंद्र भाई नमस्कार नागपुर से अशोक बाहेती हाँ नमस्ते भैया भैया ये जैसे कहीं पे प्राइमरी स्कूल है मींस केजी टू फोर्थ और कहीं पे जो हायर सेकेंडरी भी है अप टू तक के हैं तो सिलेबस क्या सेम ही रहेगा सभी के लिए हाँ भैया देखो हमारा जो सिलेबस है वो तो तीस थीम पे है तो ये, ये तो ये थीम का जो सिलेबस है वो तो पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहेगा उसको नहीं तो एक एक कलर यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है फिर आपके स्कूल बोर्ड का कोई एक करिकुलम है डिपेंड करता है कि आप कहाँ है जैसे जापान में है तो हो सकता है अलग हो स्पेन में अलग हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन इतना भी अंतर नहीं होता है जैसे कक्षा एक में तो न्यूमरल्स होगा फॉनिक्स होगा है ना उसके एक सेट स्टैंडर्ड है बिल्कुल आफ नहीं होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो हम लोगों ने क्या किया है कि जब हम लोग ये बना रहे हैं तो एक अमेरिका में लोगों ने एक इंटरनेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना रखा है okay. तो इस वाले में अमेरिका का जो इंटरनेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वो इंटीग्रल है तो जब बच्चा फैमिली को अच्छा। पढ़ेगा तो उस फैमिली को पढ़ते समय कोई मैथ पढ़ेगा कुछ उसमें साइंस भी पढ़ेगा वो मैथ और साइंस कक्षा एक या कक्षा पांच या कक्षा नौ का जो स्कूल बोर्ड का यूनिवर कह लो इंटरनेशनल करिकुलम बोर्ड है उससे कॉम्पिटेबिलिटी में है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो इतना कर लेता है तो महाराष्ट्र ऑलरेडी पास है सीबीएसई वो पास ही है ऐसा मान अपन लोग मान के चल रहे हैं ठीक है हाँ ठीक है भैया छोड़ना नहीं है ध्यान क्या देना है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसको अपन लोग वायलेट नहीं कर रहे हैं उसके साथ चल रहे हैं उसको लेकर चल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से दे रहे हैं उस तरीके से हम नहीं दे रहे हैं सब्जेक्ट अपने में नहीं है सब्जेक्ट प्रोजेक्ट से इंटीग्रेटेड है और प्रोजेक्ट थीम से इंटी, इंटीग्रेटेड है तो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे बट इन अ कॉन्टेक्स्ट कोई कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन सब जुड़ कर है टुकड़े में नहीं ठीक है तो ये अपना कितने बुक में कवर हो जाएगा मैक्सिमम बुक में कवर हो पाएगा ये इसमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगा नो टेक्स्ट बुक भूलिए टेक्स्ट बुक को भूल जाइए क्लासरूम को भूल जाइए इसमें रिसोर्स बहुत सारे रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं एंड चिल्ड्रेन विल हैव दोज रिसोर्स टू वर्क प्रोजेक्ट क्या होगा उसको हम बताएंगे कैसे डिलीवरी होगा वो हम बताएंगे तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिसोर्स मटेरियल है गाने हैं कहानियां हैं बहुत सारी चीजें हैं तो रिसोर्स so को लेंगे टेक्स्ट बुक अभी इसके अंदर नहीं लाएंगे अगर किसी को टेक्स्ट बुक चाहिए मान लो देन दे कैन रिफर एनसीआर महाराष्ट्र स्कूल बोर्ड दे हैव डन ट्रीमेंडस वर्क मुझे फिर से ना चक्का नहीं बनाना है वो जो काम हो गया हो गया अब ये जो है रिसोर्स और आपको अगर किसी को चाहिए तो वो स्कूल बोर्ड का आप ले लीजिए वो सहायक होता है नहीं तो इस रिसोर्स से पूरा हो ही जाएगा दैट्स व्हाट द पॉइंट इज बढ़िया बढ़िया ठीक है भैया नमस्ते भैया जी कुछ चल रहा है हम उसको कोई भी नकार नहीं रहे हैं उसको हम लोग ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं कि इेलीवेंट है उसका सदुपयोग करेंगे ठीक है लेकिन अपने जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य को पाने के लिए है धरती बर्बाद हो जाए इसके लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे धरती स्वस्थ कैसे होगा ये पूरा टारगेट है उसके लिए मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री क्या लगना है वो लगाएंगे ठीक है बढ़िया भैया हेलो नमस्कार मैं पूछना चाह रही थी कि आपका ये प्रेजेंटेशन का कोई रिकॉर्डिंग रहेगा जी कल कल आपको YouTube के ऊपर ये तो बहुत लंबा हो गया हम लोग करीब पैंतीस मिनट में ये सारी चीजों को कंपाइल करके ले आ रहे हैं तो कल तक या मैक्सिमम मान लो अठारह तारीख तक क्योंकि बीस को हमारा एक प्रेजेंटेशन है तो अट्ठारह मैक्सिमम हम एक दो वीडियो एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लॉन्च कर देंगे उसका लिंक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालवा देंगे हाँ, इसी व्हाट्सएप जो अगर आप लोग सेफ महाराष्ट्र में बने रहेंगे हाँ. तो आपको हर हफ्ते में नए नए चीजें मिलेंगी बहुत सारे वीडियो गाने कहानियां और उसी महा, सेफ महाराष्ट्र में आपको ये वीडियो लिंक भी मिल जाएगा तो ये एक ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है यदि आप इसमें बने रहते हैं तो आपको लगातार आने वाले समय में बहुत रिसोर्स मिलने वाले हैं नमस्ते भैया जी मैं रश्मि अग्रवाल औरंगाबाद से बोल रही हूँ नमस्ते दीदी आ, मैं ये जानना चाह रही थी कि हमको कुछ आप पहले तो सही गाइड ये करिए कि क्या काम करना है हमको इस लाइन में मतलब जैसे मैं विद्या से जुड़ी हूँ पिछले दो तीन सालों से वो तो समझ में आ रहा है पर अभी आप जो बता रहे हैं स्कूल के लेवल पे काम करना है तो वेयर टू वर्क हाउ टू वर्क वॉट टू वर्क ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं अभी दो जैसे मैं आपको समझ रही हूँ हाँ बहुत तो वो मुझे नहीं बे... समझ में आ रहा है पहला काम है जी, जी. पहला काम है कि जो नई शिक्षा है अभी हम जी. जब भी एजुकेशन सोचते हैं ना तो हमारे मन में क्लासरूम बोर्ड टेक्स्ट बुक ये सब जी. आता है जी, तो अभी मैं बोला थोड़ा उसको साइड रख देते हैं बिल्कुल वो तो बहुत अच्छे से लग रहा है समझ में आ रहा है दूसरी बात होगी कि अब हम लोग करेंगे क्या तो पहली बात है जो तीस थीम है उस तीस थीम को हमको डेवलप करना है पहले मुझे समझना होगा हाँ तो डेवलप करने के लिए थीम के नाम मैं भेजने वाला कल और जी, एक थीम का प्रोटोटाइप ओके ठीक है अब आप क्या कर सकती हो आपको क्या लगता है है ना उसमें कुछ भी गलत सही नहीं है ये भी ना सोचना कि आप कम नहीं कम हो किसी से आप हमसे या किसी से कम नहीं हो आपके अंदर कोई अपनी मौलिकता है आप अपनी बात को उसके अंदर रखिए कि आपको लगता है ये चीज इसके अंदर होना चाहिए मैं केवल एक प्रोटोटाइप दूंगा कल और उस प्रोटोटाइप को आप पढ़ लीजिए पढ़ने के बाद आप क्या सोचती हैं आप अपना उसमें दूसरे थीम के बारे में या उसके बारे में भी लिख सकती हैं इसका okay. जो डेट लाइन है सितंबर 15 पंद्रह सितंबर तक सभी को सबमिट करना होगा कोई एक लिख ले चार लिख ले दस लिख ले तीसों थीम पे लिख ले you have to all submit by september 15 16 से फिर हम लोग लेंगे नहीं वो उसके बाद तो 15 सितंबर तक आप सब लोग देंगे और वहां से फिर हम लोग उसको कंपाइल करके वेबसाइट के अंदर डाल देंगे इस बीच में जिनका जैसा रुझान है जैसे किसी को कहानियां लिखने आती है किसी को गाना लिखने आता है किसी को कुछ आता है। आप अपने स्किल सेट बताइए हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे गाने कहानियां और बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं करीब पचास किताबों हम लोगों ने बनाया हुआ है फिफ्टी के आसपास वो बच्चों के लिए पचास किताबें मेरे पास हो रही है ऐसे बहुत सारे गाने बनाए हैं बहुत सारे गेम्स बनाए हैं तो वो हम लोग यूट्यूब के ऊपर एक लाइब्रेरी बना रहे हैं लाइब्रेरी में डाल देंगे ऑनलाइन लाइब्रेरी रहेगा अगर आपके पास किसी के पास भी कोई स्किल है तो आप उसमें शामिल होइए और आप भी इनरिच करिए ठीक है बहुत बढ़िया भैया जी बहुत ही बढ़िया और और किसी के पास कोई क्वेश्चन पांच मिनट है अपने पास और नहीं तो यहीं पर रोक सकते हैं और इसमें आप लोग जोड़िए लोगों को जो लोग भी शिक्षा के प्रति थोड़ा सा वैसा है आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं जो लोग जीवन विद्या किए हुए वो भी जुड़ सकते हैं और जो नहीं किए हैं वो भी जुड़ सकते हैं ये सभी के लिए प्लेटफॉर्म है मतलब हमने जो इसमें काम किया है इस तरह से किया है कि फर्ज करिए कि आप कोई व्यक्ति अमेरिका में है एक महिला है उसका तलाक हो चुका है उसकी एक छह साल की बेटी है वो किसी अपार्टमेंट में रहती है उसको आज कोई अच्छी शिक्षा देनी है तो क्या वो इसको एक, एक्सप्लोर करके वो दे सकती है कि नहीं तो मैं मानता हूं कि इससे वो भी दे पाएगी शहर में रहते हुए मतलब किसी भी जगह के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें बाधा नहीं है जिन जिनको जहां रहते हुए देना है वो उसको दे सकते हैं ये इस तरह से इसका पूरा डिजाइन बन रहा है ठीक है हम लोग अभी क्लोज कर सकते हैं Uh, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आराम से और थोड़ा लेट तक भी है ना अभी ऑलरेडी करीब चौपन पचपन लोग अभी तक हैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धीरे धीरे क्या है कि काफी वास्ट सब्जेक्ट है सब कुछ कम्प्रेहेंसिव पूरी चीजें हैं तो उनको थोड़ा भापने में थोड़ा पकड़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है तो ये रखते जाएंगे पूरी की पूरी चीज और सब ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल रहेगा और आपका जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे पूरी चीजें और खुलती जाएगी तो आज आज के लिए इतना ही करके हम लोग अभी का समापन करते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आगे का जो पूरा शेड्यूल है वो ग्रुप में रख दिया जाएगा और हम लोग निरंतर ये प्रक्रिया है वो चलती रहेगी मेरे को लगता है कि कम से कम महीने में दो बार तो इस प्रकार का वेबिनार आपके साथ में हर ग्रुप के साथ में रहेगा तो, तो चीजों को और क्लियर करते जाएंगे और ऑनलाइन भी है ना सबके जो प्रश्न है उत्तर है उन लोगों को हम लोग ग्रुप में भी आंसर्स करते रहेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू महेंद्र भैया नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ। महाराष्ट्र पूरी टीम को नमस्ते और धन्यवाद नमस्ते भैया थैंक यू थैंक यू धन्यवाद भैया महेंद्र भैया नमस्ते भैया बहुत बहुत बधाई बढ़िया है बढ़िया शुरुआत है सभी को नमस्ते हाँ बढ़िया अच्छा अच्छा, उद्धव भाई थैंक यू सो मच फॉर हाँ, हाँ, बहुत आपने मेहनत किया ठीक है बहुत अच्छा हुआ अभी नमस्ते भी बहुत अच्छा हुआ कल कल से सबको हाँ, मिल जाएगा है ना ठीक है हाँ भैया संदीप भाव संदीप भैया संदीप भाव हेलो हाँ थैंक यू संदीप भाव संदीप सर